अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो सैटरडे है स्टार्ट कर चुके होंगे और एंजॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे क्योंकि ये वीकेंड होता है। तो लेट्स डू सॉरी लेट्स मूव फर्दर। हमारा जो आज का सेशन है वो सीवी मेकओवर पे है और मैं चाहूँगा कि हम लोग इसको इंटरेक्टिव बनाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं नई सुबह में एज अ ऑडियो लाइब्रेरी इंचार्ज और रेडियो प्रोजेक्ट लीड और साथ ही साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जिसमें कॉल सेंटर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में मैं पढ़ा रहा होता हूँ और इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम का ट्रेनर हूँ और मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड्स को वो करवाता हूँ ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो सकें और वो एम्पावर हो सकें और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। एक मिनट। अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है मैं और मिस हाजरा सलीम मिलकर डिलीवर कर रहे होंगे। होप सो कि ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो क्योंकि ये ऐसी चीज़ है सीवी और या रिज्यूमे के फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ना, ठीक है। अगर इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप हायर हो सके, ठीक है। तो मैं छोटा सा एक सवाल करना चाहूँगा कि हम सीवी क्यों लिखते हैं, कुछ कोई बता सकता है? एनीवन? सर एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। या सर, सिकंदर, देर आर सेवरल पर्पस टू राइट अ सीवी, बट द मेन पर्पस इज टू लाइक शो योर सेल्फ, योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, योर एलिजिबिलिटी, योर स्किल्स, लाइक दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड योर टारगेट जॉब, योर प्लेटफॉर्म लाइक हायरिंग मेंटोर और एसेट्रा. दैट्स बिल्कुल फॉर यू माय आर राइट, बिल्कुल यू आर राइट। मैं यहाँ पे छोटी सी ये मिसाल देना चाहूंगा कि हम जब किसी डिस्प्ले सेंटर पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो हम ज्यादातर फोकस जो फ्रंट डेस्क पे जो चीजें पड़ी होती हैं उसी पे कर रहे होते, क्योंकि हमें बैकएंड पे नहीं पता कि बैकएंड पे इसने स्टोर में क्या क्या रखा हुआ, अनटिल और अनलेस हम लोग पूरा स्टोर विजिट ना कर लें। ऐसा ही है जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो और मजे की बात के जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को फ्रंट पे डिस्प्ले करवाने के लिए एक्स्ट्रा पे भी कर रही होती है उनको कि जी हमारा प्रोडक्ट सबसे सामने आना चाहिए ताकि कस्टमर जब आए तो पहली नजर उसकी हमारे प्रोडक्ट पे पड़े। तो इसी तरीके से हम जो सीवी बना रहे होते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम अपने आप को अच्छे से डिस्प्ले करें और दिखेगा तो बिकेगा। सही है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जी थोड़ा थोड़ा सर, कैन वी से इन अ क्रक्स के ये एक मेन्यूअल है, जो कि जिस तरह किसी भी रेस्टोरेंट पे भी एक मेन्यू होता है, हम पूछते हैं कि आप शो अस योर मेन्यू कार्ड, उसमें जो भी वैरायटीज होती हैं वो शायद कि ये ठीक है, आपके पास ये चीज़ है, तो हमारे पास ये स्किल्स का एक मेन्यू होगा रिगार्डिंग बिल्कुल सीवी. बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस क्या क्या है, ओवरऑल फिर आपके बारे में कि जी आप किस इलाके में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, ओ सॉरी क्यों तो नहीं रहते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगला मेरा जो पॉइंट था यही था कि हम सीवी तो बना रहे होते हैं उसमें हमने मेंशन क्या क्या करना होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओवरऑल आपका पूरा बायोडाटा जिसमें आपका नाम, ठीक है जी, और अच्छा कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो जनरली सीवी में मेंशन हो रही होती हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप फर्ज कर लें कि आपने अपना बायोडाटा दिया है उसमें आपने लिख दिया कि जी मेरे 6 बहन भाई हैं, ठीक है, मैं वालदेन के साथ रहता हूँ, तो ये इट्स नथिंग टू डू विद एम्प्लॉयर ना, उसका कोई सरोकार नहीं है इस चीज से कि आपके कितने बहन भाई हैं। उसका सरोकार इतना है आपकी क्या कहते हैं, आपका नाम, आपकी क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स जिसमें ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। और अगर फर्ज कर ले कि कोई आपकी दूसरी प्रोफाइल बनी हुई जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल है या ऐसी प्रोफाइल जहां पे आपने अपनी स्किल्स शो की हुई है, इंडीड प्रोफाइल हो गई और क्या कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, तो वो आपने वन लाइनर में मेंशन कर देनी है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में, तो आपकी जो पर्सनल डिटेल आती हैं, पर्सनल डिटेल में अक्सर लोग अपना क्या कहते हैं जी मैरिटल स्टेटस भी मेंशन कर रहे होते हैं, नेशनैलिटी भी मेंशन कर रहे होते हैं और क्या कहते हैं एनआईसी नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसमें भी हमें कुछ खास जरूरत नहीं होती, जिसमें एनआईसी की जरूरत नहीं होती,
ठीक है, क्योंकि अगर सारा कुछ हमने सीवी में ही मेंशन करना, तो फिर बात की जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो कैसे करेंगे, वो क्यों करेंगे फिर? तो हमने जितने शॉर्ट और ब्रीफ रखनी है इसमें सीवी, ताकि कम वक्त में हम अपनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को डिलीवर कर सकें। ठीक है, इसमें हम अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमने क्या क्या अचीव किया हुआ है। अगर हम कहीं पहले काम कर चुके हुए हैं, तो उसमें वहां में हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं, क्या अवार्ड्स मिले हैं, हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स थी। कोई जिससे हम कॉल सेंटर की अगर बात करें, जी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑफ द क्वार्टर, इस तरह की चीजें इंसेंटिव के तौर पर मिल रही होती हैं। तो ये हमने चीज मेंशन करनी होती है, ताकि अगले को पता चले कि यार जिसको मैं हायर करने जा रहा हूँ, तो उसने कुछ अचीव भी किया या बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है जी, मिस हाजरा, ओवर टू यू। अब आप थोड़ा सा ज्यादा गाइड कीजिएगा, अगर मैंने इसमें कोई पॉइंट मिस किया है तो ऐड जरूर कीजिएगा, और सीवी और रिज्यूमे में फर्क बताइएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ से डिस्कशन को जो है वो हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों को सर शायान ने बताया कि हम जो है वो एक सीवी बनाते हैं जब भी हमें किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, कोई भी पोजीशन हमें अटेन करनी होती है, इट कैन बी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको बनाने के पीछे कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को सर शायान ने यहाँ पर हाईलाइट किया। इस कॉन्वर्जेशन का क्रक्स इतना ही है कि हम सीवी बेसिकली इसीलिए बना रहे होते हैं ताकि हमारी क्वालिफिकेशंस और हमारी स्किल्स को हम हाईलाइट कर सकें, एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकें हमारे हायरिंग मैनेजर के ऊपर, क्योंकि हमसे पहले हमारी सीवी वहां पहुंची हुई होती है। तो वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है कि जिस इंसान को हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं हमारी कंपनी को ज्वाइन करे, उसका एक हल्का सा रिफ्लेक्शन, उसकी एक झलक जो है वो हमें सीवी के थ्रू मिल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको एक इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। और जैसे सर शायान ने बताया कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, आप उन्हें अपने सीवी के थ्रू जो है वो शोकेस कर सकते हो, और जब भी आपको जिस भी पोजिशन के लिए अपनी सीवी सेंड करनी हो, तो हमारे पास ये एडवांटेज रहता है कि हम उसे टेलर कर सकते हैं, यानी हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें उस जॉब की स्पेसिफिकेशंस के हवाले से चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम अपने करियर में एडवांस कर सकें। सही है, हम उसमें अपनी करियर एडवांसमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इस बात का एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन, एक कंप्लीट जो लुक है ना, वो हमारी सीवी प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, जब हम सीवी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो तीन वर्ड्स हैं जो आपने ऑफ कोर्स सुने होंगे। ठीक है, सीवी का वर्ड आप सबने सुना होगा, एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रेज्यूमे, और एक और वर्ड है कवर लेटर। ठीक है, अक्सर लोग इन तीनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें फर्क क्या है और क्या ये एक ही चीज है या डिफरेंट है, किस तरह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि अगर मुझे ऑडियंस में से कोई बता सके, किसी को आइडिया है कि सीवी और रेज्यूमे, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी सीवी भेज दो, कुछ कंपनीज कहती हैं कि प्लीज फॉरवर्ड योर रेज्यूमे, तो इन दोनों में क्या कोई फर्क होता है या ये सेम चीज है? अगर इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। अथर हैं, सिकंदर हैं, हमाद हैं, शबीर भाई हैं, सलीम भाई, सलमान भाई, कोई भी इफ एनीवन वुड लाइक टू टेक अ गेस, बहुत कोई मसला बहुत नहीं है जी, मैं बताऊं। जी, प्लीज बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई वालेकुम गेस अस्सलाम। सीवी जो है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, और जो रेज्यूमे है वो एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रॉबली। बिल्कुल, यस, वेरी क्लोज। इसी तरह से है बिल्कुल। अगर कोई और इसमें नहीं अपना इनपुट देना चाहता, तो चले हम इसको फिर डीब्रीफ करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमें ये बात बताई गई अभी हमारे सर ने, You know, wordless. I mean, we don't know. यू डोंट नो, ओके, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर, टू एड ऑन टू योर इन्फॉर्मेशन, टू एड ऑन टू योर नॉलेज, इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब दोनों चीजें जो हैं ये डिफरेंट होती हैं। कुछ लोगों के साथ ये मिसकंसेप्शन है, वो ये समझते हैं कि अच्छा सीवी भी एक ही चीज है, रेज्यूमे भी एक ही चीज है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं जिनके लेंस से अगर आप देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि सीवी के अंदर ये चीजें होती हैं और रेज्यूमे के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। अब वो क्या क्या की डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ, ठीक है, कि कितना कंटेंट उसके अंदर है या उसकी लेंथ कितनी है, कितने पेजेस पे मुश्तमिल है, ठीक है, कितनी थैली दी है आपकी सीवी, आप यूँ समझ लें कि कितनी उसके अंदर चीजें आप कवर करते हो।
जब हम लेंथ के हवाले से बात करते हैं तो जो हमारी सीवी है ना, जिसे बाय द वे करिकुलम वाइटे कहते हैं, ठीक है, सी वी करिकुलम वाइटे, ठीक है, सीवी जो आपकी होती है ना, ठीक है, ये मल्टीपल पेजेस पर स्प्रेड हुई भी होती है, ठीक है, और लेंदी होती है. जैसे सर सलमान अभी सॉरी सर हमाद ने हमें यहाँ पर बताया कि सीवी इज जनरली लॉन्गर, ठीक है, एंड इट ऑफन हैज मल्टीपल पेजेस. लेकिन जो रेज्यूमे है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट स्वीट क्यूट सी आपकी रेज्यूमे होती है, ठीक है, और टिपिकली 1 to 2 pages बस, इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं होती है और करनी भी नहीं होती है. सीवी के अंदर काफी डिटेल होती है लेकिन रेज्यूमे आपका शॉर्ट होता है, 1 से 2 pages पे बना हुआ होता है बस, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है. अगर हम कंटेंट के हवाले से बात करते हैं तो कंटेंट में भी यही चीज है. अब जाहिर सी बात है अगर सीवी जो है वो मल्टीपल पेजेस पे, तो जाहिर सी बात है उसमें डिटेल भी ज्यादा होगी, राइट. तो आपकी सीवी के अंदर काफी सारी डिटेल होती है और आपकी एकेडमिक और आपकी प्रोफेशनल दोनों लाइफ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जितना कुछ आपने कवर किया है, उसकी सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी आपकी सीवी के अंदर जाती है, ठीक है. लेकिन जब हम रेज्यूमे की बात करते हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में बात करता है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, और जो रेलिवेंट वर्क है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो जो चीजें रेलिवेंट हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं आपके रेज्यूमे के अंदर, सिर्फ वही चीजें कवर हो रही होती हैं, ठीक है. पर्पस क्यों बनाई जाती है सीवी और क्यों बनाया जाता है रेज्यूमे, क्या फर्क है, ठीक है. जब हम पर्पस के बारे में बात करते हैं तो सीवी हम हमेशा बनाते हैं जब हमें किसी एकेडमिक या रिसर्च या स्कॉलरली या साइंटिफिक पर्पस के लिए या किसी ऐसी सीनियर पोजीशन के लिए जब हमें अप्लाई करना होता है ना, जब वो हमारा अलिफ से लेकर ये तक A to Z सब कुछ जानना चाहते हैं, तब हम बनाते हैं सीवी और बनाकर वहां पर सबमिट करते हैं, जो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके जाए पैदाइश से लेके, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं आज सुबह पैदा हुआ था, तब से लेकर एंड तक का सब कुछ उसके अंदर जो है वो आप इंक्लूड करते हो. लेकिन जब हम रेज्यूमे की बात करते हैं तो वो हम किस लिए बनाते हैं और किस वजह से यूज कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक जनरल जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड. आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपको अपनी जॉब स्विच करनी है या किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी नई इदारे को आपको जो है वो वहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आई जिसको आप अवेल करना चाहते हो, तो आप उसके लिए अपना रेज्यूमे बनाओगे, ठीक है. अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करते हैं कि उसको कैसे उसमें चेंजेस करने हैं, उसमें क्या क्या करना है, तो सीवी के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते. वो जिस दिन आप बना लेते हो तब से लेके वो एंड तक सीवी आपकी वैसे ही रहती है. हाँ, आप उसे अपडेट सिर्फ तब करते हो जब आपने कोई नई अचीवमेंट हासिल की है, कोई नया आपने कुछ काम किया है, कोई नई स्किल सीखी है, तो आप अपनी सीवी के अंदर उसको ऐड कर देते हो. बाकी ओवरऑल वो चीज वैसी ही रहती है, जब भी जहां भी सबमिट करवाओगे वो एज इट इज जाएगी. लेकिन रेज्यूमे कभी भी एज इट इज नहीं जाता है, ठीक है. आप हमेशा उसको भेजने से पहले चेक कर लेते हो कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इररिलेवेंट हो, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप काम की नहीं है. अगर कोई ऐसी चीज है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं और फिर जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि रेज्यूमे में हर चीज नहीं जाती है, तो उसको सेंड करने से पहले एक नजर हम देख जरूर लेते हैं, ठीक है. और ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि उसमें किस ऑर्डर में चीजें होती हैं, सीवी के अंदर चीजें हमेशा होती हैं A to Z, ठीक है, कि आपने सबसे पहले जो चीज की है ना वो आप सबसे पहले लिख देते हो, ठीक है. आपने अगर हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, आपने सबसे पहले मैट्रिकुलेशन किया था, आप मैट्रिक के बारे में लिखोगे, फिर आपने इंटर किया, आप इंटरमीडिएट लिखोगे, फिर बैचलर्स, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. इसी तरह जॉब के हवाले से भी वही होता है, उसमें सबसे पहली जॉब आपकी सबसे पहले आप लिखते हो, ठीक है. और आपकी स्किल्स के हवाले से भी यही चीज है, जो पहली कॉन्फ्रेंस, पहला स्किल, पहला कोर्स, पहला डिप्लोमा जो आपने किया है वो आप सबसे पहले मेंशन कर देते हो. रेज्यूमे में क्या होता है कि इट इज इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज लेटेस्ट है वो आप सबसे पहले मेंशन करते हो, ठीक है. जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ, अगर मैं अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में बात करूंगी और मैं रेज्यूमे बना रही हूँ, तो मैं सबसे पहले उसमें लिखूंगी मास्टर्स, क्योंकि दिस इज माय लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है. मैंने मास्टर्स के बाद और कोई डिग्री हासिल नहीं की है, तो मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, तो मैं सबसे पहले मास्टर्स मेंशन करूंगी, फिर बैकवर्ड जाऊंगी, फिर बैचलर्स आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर मैट्रिकुलेशन आएगा, ठीक है. वो रिवर्स में चलती है रेज्यूमे हमेशा. अब यही इसकी की डिफरेंसेस हैं बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी. अब सुनने से आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार जिस चीज को हम सीवी कहते हैं और जिस चीज को सीवी के नाम पे बना के भेज देते हैं, जब भी कोई मांग रहा होता है यार सीवी भेज दो मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ,
वो असल में सीवी नहीं होती है, वो असल में रेज्यूमे होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉमनली जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हम करते हैं सीवी का, लेकिन वो सीवी होती नहीं है, वो रेज्यूमे होता है। तो अभी मैंने आपको रेज्यूमे के हवाले से जितनी बातें बताई है ना, ये हमारे यहाँ पे कॉमन एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो चीज प्रिपेयर करते हैं और जो बनाते हैं और आज भी इंशाल्लाह जिस चीज पे फोकस कर रहे होंगे, वो दरअसल एक्चुअली रेज्यूमे है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी इतनी कॉमन राइज हो गई है कि अब किसी को फर्क पता भी नहीं है और हर किसी को करेक्ट करने बैठते हैं, तो फिर अब वो एक बहुत लंबी बहस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने आज की वर्कशॉप ली है और आप आपस बात से अगर आप अवेयर हो गए हैं, तो इस बात को अपने जहन में भी रखें और दूसरों को भी ये बात समझाएं कि हमारे यहाँ ये जो एक दो पेज में हम सब चीजें शॉर्ट शॉर्ट लिख कर भेज देते हैं ना, ये सीवी नहीं है, ये रेज्यूमे है। और यही बना के रिक्रूटर्स मोस्टली पूछ रहे होते हैं। सीवी जो होती है वो तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, 5-6 पेजेस से भी ज्यादा जाती है, और उसमें आपकी तमाम डिटेल्स होती हैं जिसकी नीड हमारे यहाँ नहीं है। हम जिस पर्पस के लिए बना रहे होते हैं वो जॉब की पोजीशन है, और उसके लिए मेकिंग अ शॉर्ट स्वीट रेज्यूमे इज मोर देन इनफ। तो वर्ड से फेमिलियर होना, इसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर अब ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, बेशक कहते रहें इसको सीवी, नो प्रॉब्लम, हम भी आज की वर्कशॉप में इसको सीवी ही बोल रहे होंगे। लेकिन जस्ट टू बी क्लियर, जब आप किसी से भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो तो आपके अपने पास ये चीज समझ इस चीज की होनी चाहिए कि हाँ, मैं कह तो रहा हूँ सीवी, लेकिन ये सीवी है नहीं, दिस इज एक्चुअली अ रेज्यूमे। ठीक है, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर फर्दर इसकी डिफरेंस के हवाले से अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आई वुड इनकरेज कि आप लोग जरूर पूछिए। वरना पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर शायान से कि हमारा जो एक अगला पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि चले सीवी और रेज्यूमे तो सबको समझ आ गया, अब कवर लेटर क्या चीज होती है। ठीक है, तो अगर सीवी और रेज्यूमे के हवाले से, डिफरेंस के हवाले से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज गो अहेड, वरना फिर मैं सर शायान से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर आप ये एक्सप्लेन करें कि कवर लेटर क्या चीज है। मैम, एम सिकंदर अली, हेलो सिकंदर, थैंक यू ये फॉर ज्वाइनिंग अस। या मैम, द थिंग इज दैट कि जैसे आपने ये अच्छे से हमें लाइक बताया कि इसमें डिफरेंस क्या है. अब लाइक आई हैव वही बात कि नहीं पता, मैंने एक बनाई सीवी 2.5 पेजेस की ना, ठीक है, तो जैसे आपने ये भी चीज मेंशन की कि उसमें आप रेलिवेंट चीज लिखते हैं, लाइक इफ आई एम गोइंग बिल्कुल। टू रेडियो, तो उसमें मुझे वो अपने डिप्लोमाज, अपनी वर्कशॉप मेंशन करनी होगी जो रेडियो से रेलिवेंट है. बिल्कुल तो उसमें हमारा जो आ जाता है पर्सनल डिटेल और एकेडमिक बैकग्राउंड, ये जी, वो, फिर वो रेज्यूमे में वो नहीं होगा फिर. ये सारी चीजें होंगी। अभी हमने आपको सिर्फ डिफरेंस बताया है, आप समझ लें कि एक जैसे कहते हैं ना कि बट जो एक मेन मेन हेडिंग्स हैं या मेन मेन चीजें हैं, सिर्फ वो बताइए। अभी कवर लेटर वगैरह और उन चीजों को डिस्कस करने के बाद आगे हमारे हम जैसे इन कुछ भिखारी डिटेल तुम इसके बताओ, सेक्शंस के भिखारियों में बारे भी में तुम भी बात करते कर हो, रहे तो होंगे मेरे कि जहन इसमें में क्या तो क्या एक चीज सेक्शंस हैं आती और है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें ज्वाइन करनी है। ठीक है कि तो मैं आप थोड़ा सा ठीक हमारे साथ बेयर करें, इंशाल्लाह आगे नो नेक्स्ट या टॉपिक आई पे हम मस्ट कर गिव रहे यू होंगे। इन्विटेशन. थैंक यू. ठीक है सर, थैंक हमाद यू आपका मिताजराम. माइक, वेलकम सर, हमाद आपका माइक शायद अनम्यूट है, आप देख लें, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, ठीक है, सॉरी. ओके, नहीं, दैट्स ऑल राइट, लेट्स कैरी फॉरवर्ड। जी सर शायन, थैंक यू मिस हाजरा, इतना डीपली और ब्रीफली समझाने के लिए. अच्छा, मैं यहाँ पे अब एक चीज क्वेश्चन छोड़ना चाहूंगा कि फर्स्ट कर लें, आप लोगों के पास एक कंपनी है जिसमें तकरीबन 300 से 400, मैं बहुत कम पे जा रहा हूँ, इससे ज्यादा भी इम्प्लॉयज होते हैं, तो 300-400 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और आपको कुछ हायरिंग करनी है. ठीक है, आपके पास 100 कैंडिडेट्स हैं जिनको आपने इंटरव्यू करना है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि भाई लंबी लंबी डिटेल्स आपके पास आ जाएं, पूरे पूरे खत आ जाएं, अफसाने आ जाएं, या जस्ट एक पेज आए कि भाई मुझे पता चल जाए कि मुझे किसको प्रेफर करना है, किसको कंसीडर करना है और किसको नहीं करना. एनीवन कोई जवाब दे सकता है? ऑब्वियसली सर, एक पेज या उससे भी कम. हाँ, क्योंकि आपके सामने ना लाइन लंबी बहुत है और आपको तकरीबन सबको इंटरव्यू करना है, और तकरीबन सबको नहीं तो कम से कम 10 से 12 लोगों को तो करना ही करना है ना, ताकि आप एक अच्छी चॉइस हासिल कर सकें. तो जो मिस ने रिज्यूमे और सीवी में फर्क बताया, तो ये जो दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी 400-500 एम्प्लॉय हैं, एक बड़ी कंपनी है, और क्या कहते हैं कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया वो भी मोर देन 100 हैं, तो उससे इस परेशानी का जो हल है वो होता है कवर लेटर. कवर लेटर जस्ट एक आप किसी को भी लेटर लिखते हैं कि जी मैं, मेरा हाल ठीक है, मैं खैर खैरियत से हूँ, अच्छा मुन्ने के बारे में बताओ, और उसका दाखिला हो गया नहीं हो गया, तो एक उसमें आप डिस्कशन कर रहे थे. तो इसी तरीके से
जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयर को एक लेटर लिखता है कि भाई आपने फर्ज कर लें एक सीएसआर के लिए, सीएसआर की पोस्ट के लिए आपने एड लॉन्च किया था, ठीक है, और मैं वहां पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें कवर लेटर में क्या क्या मेंशन होगा कि जी पहले तो उसने आपने उसकी बता दी कि अपनी क्वालिफिकेशन, मैं इस जो फैकल्टी है या इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जिसको मैं सर्व करते हुए आपको अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये और शॉर्ट मतलब रिज्यूमे तो फिर आपने बता दिया कि जी मेरी स्किल्स ये हैं वो हैं, लेकिन लेटर में आप फिर टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे, मैं आपको इस तरह ग्रोथ दे सकता हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंसेस है, मैंने 8 साल 10 साल 15 साल इस फील्ड में काम किया हुआ है, और इस इन चीजों को इन इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हुए ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। सही है, किसी का कोई राइट क्वेश्चन? सर, नो सर, अच्छा, इसमें स्टार्टिंग किस तरह होती है कि फॉर्मल जिस तरह हम ग्रीट कर रहे होते हैं कि जी मैं अगर खत की बात करूं कि जी आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, ठीक है, इस तरह आप इसमें जॉब के बारे में बता रहे होते हैं, कंपनी का नाम बता रहे होते हैं कि जी मैं आपकी इस कंपनी में इस पोजीशन के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ, मैंने कहाँ से इसके बारे में जाना, और मेरा इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ आपको आपकी फील्ड में, सॉरी आपकी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है, अपने जो मेरी क्वालिफिकेशन है जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है, या मैं पीएचडी होल्डर हूँ, या मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, इस तरह की चीजें, और मुझे मतलब आपने ये भी शो करना है कि आपको इस पोजीशन के लिए आप क्यों इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप ये भी बता रहे हैं कि आप मजीद अपने जो स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए कंपनी की प्रोग्रेस में कहाँ कहाँ आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जी फिर उसके बाद हाँ कंक्लूजन में जाएंगे, कवर लेटर के कंक्लूजन पे, जिस तरह हम एक फॉर्मली से लेटर को एंड कर रहे होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आप मुझे कंसीडर जरूर करेंगे, और वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई एंड दिस एंड दैट, और अपना लास्ट में एंडिंग नोट देके इस लेटर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हर कंपनी आपसे कवर लेटर मांगे, ठीक है, सिर्फ रिज्यूमे और सीवी पे भी गुजारा हो सकता है, लेकिन आफ्टर रिज्यूमे और सीवी कुछ कंपनीज इसको मैंडेटरी करती हैं कि जी आपने कवर लेटर भी शेयर करना है। तो वेयर वर वी, हम कहाँ थे, कोई मुझे गाइड कर सकता है? सर आप बता रहे थे कि जिस तरह रेज्यूमी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसी तरह से कवर लेटर भी स्पेसिफिक हो सकता है आपकी अकॉर्डिंग टू द जॉब, अकॉर्डिंग थैंक टू यू योर सिकंदर, प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि एक्टिव हैं और सुन रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ से थोड़ी सी शिकवा है कि सिर्फ सिकंदर क्यों, बाकी और भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन कॉन्स्टेंटली सिर्फ सिकंदर जवाब दे रहे हैं, सवाल वो भी कर रहे हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग ज्ञान भाई और भी इंशाल्लाह आपके, सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं। असल में सही बाकी लोग इतने वो नॉन एक्टिव नहीं है, सिकंदर जो है हमेशा से थोड़े एक्स्ट्रा एक्टिव है माशाल्लाह, इसलिए आपको फील हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। कीप अप द गुड वर्क। जी सर बिल्कुल, मैं माइक अनम्यूट करने लगा था। सलाम वालेकुम, लेकिन पहले वालेकुम आंसर आ गया अस्सलाम तो मैंने उसको बोल दिया। जी, जरा एनी इनपुट कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, सुन रहे हैं ये आपने जो सिकंदर ने बताया, आप कवर लेटर का बता रहे थे कि वो चेंज होता रहता है तो उसको चेंज करते रहना चाहिए, बस ये सुन रहे थे आप। चलिए, थैंक यू, अच्छा लगा जान के कि जी आपने भी सुना है। अच्छा जी, कवर लेटर के बाद हम जाते हैं कि हम सीवी जो लिख रहे हैं या जो टाइप कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फॉर्मेटिंग किस अंदाज से करनी है, कौन सा साइज हमने फॉन्ट का यूज करना है, कौन सा स्टाइल यूज करना है, और किस तरह पैराग्राफिंग करनी है, कौन से पॉइंट्स बुलेट में लिखने हैं, कौन से अपने पैराग्राफ में लिखने हैं, तो इस हवाले से मिस हाजरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यू कीजिएगा। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच सर।
आई होप कि कवर लेटर का कॉन्सेप्ट जो है और सीवी और हमारा जो रेज्यूमे है उसके डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सबको अब क्लियर हो गया होगा। यही बात जैसे सर शायान ने बताई कि हमारी जो हम जो कवर लेटर बना रहे होते हैं ठीक है, उसकी कन्विंसिंग पावर आपके पास ध्यान रखना है कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई भी काम है और आप उसके लिए परमिशन जो है वो लेना चाह रहे हैं, किसी को मनाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे पूरी तमहीद बांट के और हर चीज के साथ जो है वो सामने वाले बंदे को कन्विंस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई चीज खरीदनी है या कहीं आप जा रहे हैं, किसी चीज की परमिशन चाहिए, कोई पिकनिक है आपकी इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि प्लीज जाने दें, तो आप कैसे पूरे कन्विंसिंग पावर के साथ पूरी बात करते हैं कि देखें, और उनको पूरा डिटेल के साथ बता रहे होते हैं ना कि हम इस तरह से जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं संभाल लूंगा या मैं संभाल लूंगी, हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, यहाँ से हमारा पिकअप पॉइंट होगा है ना, और इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें जिस तरह से आप किसी से बात करते हुए किसी को कन्विंस करने के लिए सब चीजें मेंशन करते हो, कवर लेटर में भी याद रखिएगा कि आपको इस चीज को उसी तरह से जो है वो मेंशन करना है, और बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ जिसमें आपकी ग्रीटिंग भी आ रही है साथ ही साथ, आप उसको एंड में जो है वो एक कन्विंसिंग स्टेटमेंट के साथ लीव करते हो कि आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह हमारी जल्द मुलाकात होगी, प्लीज डू कंसिडर माई रेज्यूमे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग एन इंटरव्यू एंड आई वुड लाइक टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, इस तरह से करके एक थैंक यू नोट के साथ आप उस चीज को कंक्लूड कीजिए ताकि आपका कवर लेटर स्ट्रांग हो सके। आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं कि जब आप सीवी बना रहे होते हो तो उसका उसमें फॉर्मेटिंग के हवाले से आपको किन चीजों का ख्याल रखना है ठीक है। सबसे पहले हम फॉन्ट और फॉन्ट की साइज के बारे में बात करते हैं ठीक है। ऑलराइट, जब भी आप सीवी बनाते हैं ठीक है, या जब उसका प्रॉपर वर्ड हमें पता है कि जब हम रेज्यूमे बना रहे होते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप एक ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करें जिसे पढ़ना सामने वाले बंदे के लिए आसान हो ठीक है। कोई भी कर्सिव राइटिंग से रिलेटेड जो हमारे फॉन्ट्स होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम ना इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश नहीं, आपने नहीं इस्तेमाल करने हैं ठीक है। आपने सिर्फ वो फॉन्ट्स पिकअप करने हैं जो कि नीट और क्लीन है ठीक है। अच्छा, अब एज विजुअली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स, ऑफकोर्स हम उस चीज को अब विजुअली तो जज नहीं कर सकते, हमें क्या पता कि कौन सी कर्सिव है, कौन सा नीट है, कौन सा क्लीन है, क्या है ठीक है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि जब भी आप फॉन्ट साइज सेलेक्ट करते हैं आप किसी भी अपने साइटेड फ्रेंड से या किसी से भी आप जो है वो आप हेल्प ले सकते हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप ऑनलाइन, हम ऑफकोर्स अब तो एआई का जमाना है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो कि ये फॉन्ट नीट है, क्लीन है या नहीं है, और रेज्यूमे में इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। एंड देन ऑफकोर्स अ वेरी इजी थिंग टू डू इज कि तीन चार फॉन्ट जो है वो आप याद रख लो उनके नाम ठीक है। जब भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बना रहे होगे अपनी सीवी या रेज्यूमे को, तो आप वहां से जाके वही फॉन्ट्स जो है वो आप पिकअप कर सकते हो। तीन फॉन्ट हैं जो कि जनरली इस्तेमाल हो रहे होते हैं सही है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास एरियल ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है टाइम्स न्यू रोमन ठीक है। ये दोनों कॉमन है और ज्यादातर जो है वो यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक और कैलेबरी भी कैलिब्री, होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली कैलिब्री भी है हमारे पास। ये तीन मेन है, कोशिश करें इससे आगे पीछे ना जाएं, इन्हीं तीनों के साथ जो है वो आप गेम खेलनी है आपने पूरी, और इससे ज्यादा इसको फस ना करें। अगर आप कोई और चीज ट्राई करना चाहते हैं ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि फॉन्ट जो है वो दो कैटेगरीज के होते हैं, एक हमारे सेरिफ फॉन्ट होते हैं, एक हमारे सेंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं। रूल ऑफ थंब इज कि जितने भी सेंस सेरिफ फॉन्ट है ना वो आप सीवीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है। इसमें से तीन के नाम हमने आपको बता दिए हैं, इतना इसको आप कंफ्यूज होने की या इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एरियल ले लें, कैलिब्री ले लें, या टाइम्स न्यू रोमन ले लें ठीक है, सिंपल एज दैट। फिर हम बात करते हैं आपके फॉन्ट की साइज की। साइज आपका होना चाहिए 10 और 12 के बीच में ठीक है, 10 से कम ना करें, 11 रख लें बेशक ठीक है, 12 स्टैंडर्ड फॉन्ट है ठीक है, 12 से बड़ा ना कीजिए ठीक है, नीड नहीं है और वो स्पेस ज्यादा ले लेता है। हाँ, ये जरूर हम सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट बनाने के लिए हम कभी कभी कहते हैं कि ठीक है, जो हेडिंग्स हैं सेक्शंस की उनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें, या आपका नाम जहाँ लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको आप कर लें, तो वो बेशक आप 13 तक ले जाएं या 14 तक ले जाएं, बट स्टैंडर्ड ओवरऑल अगर आप एक ही साइज रखना चाहते हो तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि 12 से ज्यादा आपका फॉन्ट साइज नहीं जाना चाहिए ठीक है। अब बात करते हैं कलर्स की, कि कलर्स का क्या करें ठीक है। बहुत ही एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम जी अभी आपने एरियल और दो नाम और बताए मैम, इनका थोड़ा इनके हवाले से गाइड कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है।
ये फॉन्ट के स्टाइल है, ठीक है? जब भी हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो वो कैसे दिखती है, उसका स्टाइल कैसा होता है, वो लगता कैसा है, ठीक है? ये होता है आपका फॉन्ट का स्टाइल। तो आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाओगे और आप फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करते हो, तो आप देखते हो कि आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट जो है वो फॉन्ट के नाम और स्टाइल्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है? इसका कॉमिक कॉमिक सेंस भी होता है, वर्डाना भी होता है, ठीक है? मेरी गोल्ड भी। मैम जैसे अटैलिक अटैलिक होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ करता हूँ जकिया, जो आपने जी इटैलिक और वो आप अंडरलाइन किसके बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल इस तरह दूं कि आप अगर गार्डन में गए हैं, ठीक है, और आपके पास फ्लावर्स है मुख्तलिफ, ठीक है, तो हर फ्लावर हर डिफरेंट कलर डिफरेंट शेप का होगा, ऐसे ही है। रोज जी अलग होता है, ठीक है, लिली अलग होता है, जैस्मीन अलग होता है, ट्यूलिप्स अलग होते हैं। तो ये सेम वही चीज है कि आपका डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, कोई ज्वाइनिंग में लिखता है, ठीक है जी, कोई मिला के, कोई बिल्कुल सिंगल सिंगल, कोई बड़े फॉन्ट्स में लिखता है। तो ये फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल, ये दो वो चीजें हैं कि लिखने का अंदाज आपका किस तरह का है। आप वो जो कह रही है ना इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, वो डिफरेंट चीज जी थैंक यू सर। है। वेलकम जी, मिस हाजरा, आर यू बैक? मिस हाजरा, आप हमें सुन पा रही हैं? शायद कनेक्टेड तो है हाजरा, लेकिन उनका माइक हमारे सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा दूर आ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। माइक अपना क्लियर कीजिएगा। मैंने कहा हाजरा तो हो रही है लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से वो शो आवाज नहीं आ रही उनकी आई गेस। नो इश्यूज, अगर मैं देख लेता हूँ। इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना अभी, यहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही सही। हमारे पास मिस हाजरा ज्वाइन भी हैं कि नहीं है? सर ज्वाइन तो शो हो रही है, वो म्यूट पे हैं, ऑडियो वीडियो म्यूट, माइक बोथ म्यूट का। हुआ उनका। मिस हाजरा काइंडली अनम्यूट योर म्यूट, सॉरी अनम्यूट माइक म्यूट अनम्यूट योर माइक। यस, बार आई है हमारे पास। कहाँ पे टांग गई शायान? जी अच्छे अच्छों की कांप जाती हैं, जी आप तो छोटे से बंदे हैं। हेलो, अल्लाह। साजरा, मैं कंटिन्यू कर लूं? यार मुझे लगता है नेट का प्रॉब्लम है, तुम आप कंटिन्यू कर लो, वो ठीक है ज्वाइन करेंगी तो फिर चेक कर लेंगी। सही सही। Am I audible to everyone? Yes, now you are audible. Yeah. Thank God you're back, ma'am. बचत हो गई, I'm so sorry. There is some internet issue at my end. अब नहीं होगा इंशाल्लाह, मैंने अपना डेटा भी ऑन कर लिया है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू थ्रू दिस। ठीक है, आई होप फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो हमारी चीज है कि आपकी जो हेडिंग्स होती हैं या जो आपके टाइटल्स होते हैं, ठीक है, उनको एम्फेसाइज करने के लिए हम कहते हैं कि इन्हें आप जो है वो आप बोल्ड कर सकते हो, आप इन्हें इटैलिक कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो सेपरेटली। पूरी सीवी या पूरे रेज्यूमे को नहीं करना है, ठीक है? फॉन्ट अब आपको पता चल गया है कि ये दो तीन है, एरियल वगैरह, आप इसी पे स्टिक करेंगे। फॉन्ट की साइज जो है वो आपकी 12 से ज्यादा नहीं जाएगी, 10 से कम नहीं होगी। और जो आपकी मेन सेक्शंस की हेडिंग्स है, जिन्हें हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आगे कवर कर रहे होंगे, आप उन्हें जो है एम्फेसाइज करने के लिए इटैलिक भी कर सकते हो, आप बोल्ड भी कर सकते हो, ताकि वो डिफरेंट लगे और स्टैंड आउट करें, ठीक है? आगे जब हम बात करते हैं फर्दर फॉर्मेटिंग के बारे में, मार्जिन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ठीक है, तो जो आपकी स्टैंडर्ड पेज की मार्जिन होती है कि 1 इंच हम छोड़ देते हैं चारों तरफ से, ठीक है, ये आपकी पेज की डिफॉल्ट सेटिंग ही होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। इस पे इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए कि जब भी आप सीवी बनाते हो तो 2.54 सेंटीमीटर जिसे हम कहते हैं, या 1 इंच जो है वो आपको चारों तरफ से
जगह छोड़ देनी है, ताकि आपकी सीवी अगर प्रिंट होती है या इवन किसी के पास सॉफ्ट कॉपी में जाती है ना, तो इट शुड लुक नीट, ठीक है। अगली चीज जो हम फॉर्मेटिंग के हवाले से आपको गाइड करना चाहते हैं वो है बुलेट पॉइंट्स के बारे में। जितना ज्यादा आप बुलेट पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी सीवी ज्यादा प्रोफेशनल और नीट लगेगी, क्योंकि ऑनेस्टली नोबडी हैज टाइम टू रीड लेंथी पैराग्राफ्स, ठीक है। उतना टाइम नहीं होता आपके एम्प्लॉयर के पास, हायरिंग मैनेजर के पास, कि वो पूरी पूरी कहानी जो आपने उसके अंदर लिखी हुई है वो पढ़े। तो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है वो लिस्ट इस्तेमाल करें या बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर जहां पर आप अपनी प्रीवियस वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन कर रहे हैं, या जहां पर आप अपनी स्किल्स के बारे में लिख रहे हैं, या जहां पर जो है वो आप अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पैराग्राफ की जगह अगर आप लिस्ट कर दोगे ना, तो इट विल बिकम ईजी टू रीड। जो भी देख रहा होगा वो उसको इजिली स्कैन थ्रू कर सकेगा और फटाफट पढ़ लेगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ने में उसका टाइम नहीं जाया होगा, ठीक है। और हर बुलेट जो है हम ये सजेस्ट करते हैं आपको कि सेपरेट होना चाहिए और नीटली उसकी इंडेंटेशन होनी चाहिए, एक ही साथ जो है वो पूरी खिचड़ी ना लगे, एक एक करके स्पेस देकर आप डालते जाएं बुलेट्स और अपनी बात आगे लिखते जाएं और यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद ये एक हमेशा सवाल आता है कि कलर का क्या करना है, ठीक है। अब बीइंग विजुअली चैलेंज्ड वही बात है कि हम कलर्स को उस तरह से नहीं जज कर पाते। इसके भी दो ही रूल हैं के साइटेड असिस्टेंट जो भी आपको मिल जाए जो आपको गाइड कर सके, ठीक है, वरना फिर स्टैंडर्ड याद रखिए और उसी को याद कीजिए और उसी को इस्तेमाल कीजिए। स्टैंडर्ड क्या तरीका है कि आपका पेज वाइट कलर का होता है, ठीक है, उस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप ब्लैक फॉन्ट से लिखेंगे, बस ये स्टैंडर्ड प्रोफेशनल तरीका है। इसके अलावा और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कोई पेंटिंग नहीं है, किसी एग्जीबिशन में आपने कोई चीज नहीं जमा करानी है, वो किसी की शादी का कार्ड नहीं है, उस पे कलर्स डालने की जरूरत हर वेज नहीं है, ठीक है। उसको हम कभी भी कलरफुल नहीं बनाते, यू नीड टू कीप इट परफेक्ट बोल्ड इटैलिक है, और उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए अगर आपको कोई और कलर ऐड करने हैं तो तीन चार प्रोफेशनल कलर्स हैं, यू आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू यूज दोज। अब वो प्रोफेशनल कलर्स क्या हैं, एक है आपके पास डार्क ग्रे कलर होता है, ठीक है, डार्क ग्रे कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट या डार्क ब्लू कलर जो होता है, ठीक है, नेवी जिसे हम कहते हैं, वो कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज प्रिटी मच इट। रेड ऑरेंज येलो मरून पर्पल खुदारा इन कलर्स को मत इस्तेमाल कीजिए आपकी सीवी के ऊपर, बहुत खराब लगता है एंड इट इज वेरी अनप्रोफेशनल। ये जो मैंने आपको कलर्स बताए हैं ब्लैक वाइट डार्क ग्रे नेवी ब्लू एंड ग्रीन, इसमें एक और भी चीज होती है ना कि जब आप प्रिंट आउट करवाएंगे ना तो जितने मर्जी कलर हो आपके अगर प्रिंट आउट आएगा तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएगा, तो फिर वो फायदा नहीं होगा। हाँ, अनटिल और अनलेस आप सॉफ्ट कॉपी भेजना रहे हो। बिल्कुल, और आप कलर में भी प्रिंट करोगे उसका कोई फायदा, ठीक है, और कोई किस्म की उसके अंदर फैंसी बॉर्डर्स पिक्चर्स ग्राफिक्स किसके अंदर मैं पूरी गार्निशिंग कर दूं, नहीं, आपको जितनी गार्निशिंग करनी है आप खाना बनाए, अपनी प्लेट को डेकोरेट करें, रेज्यूमे को डेकोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी उसमें बॉर्डर्स हैं मैं पिक्चर डाल दूं ये कर दूं वो कर दूं ये सब नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको ना करने का एक और रीजन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आजकल एआई का जमाना है ना, बहुत सारी कंपनीज अब क्या कर रही हैं कि एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, जो सीवीज को डिटेक्ट करता है, वो आपकी सीवीज को रिसीव करके उस कितना टाइम नहीं है ना किसी के पास, आपके पास ओवर 100 सीवीज आई हैं, वो सब लेके उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कर देता है कि भाई इसको पढ़ लो और मुझे बता दो उसमें से कौन से काम किए हैं ताकि बस मैं उनको शॉर्टलिस्ट करके बुला लूं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बनाया गया है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल्स के हवाले से के हिसाब से बनाया गया है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आपकी सीवी के अंदर कोई ऐसे कलर्स पिक्चर्स ग्राफिक्स वगैरह ये सब चीजें आप डालकर उसको ब्यूटिफुल बनाने की कोशिश करोगे ना, मशीन उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी को रिजेक्ट कर देगा, आपकी उससे मशीन से प्रोसेस होके निकलेगी ही नहीं सीवी बाहर, फिर क्या करोगे। इसलिए कहा जाता है कि ये जो रूल्स हैं ये अपने जहन में रखें, यही फॉन्ट साइज यही कलर्स इसी तरह से इसको आप करें और उसको ओवर द टॉप जो है वो ब्यूटिफाई करने की प्लीज कोशिश ना करें, अननेसेसरी उसके अंदर कोई भी कलर्स कोई भी ग्राफिक्स कोई भी पिक्चर्स ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी क्लिप आर्ट्स आपने नहीं ऐड करने, सीधी स्ट्रेट टेक्स्ट के फॉर्म में आपकी सीवी आ जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मेटिंग के हवाले से जो दूसरी चीजें हैं हमारे पास, अगर उनके बारे में जिक्र करें,
एक कॉन्सेप्ट होता है व्हाइट स्पेस का. व्हाइट स्पेस का मतलब है कि थोड़ी जगह छोड़ दो. वही मैंने कहा था कि खिचड़ी नहीं बनानी. बेशक आपके पास 2 पेजेस की गुंजाइश है, या हम कहते हैं 1.5 से 2, 2.5 पेज में कर लो, ठीक है, मगर उसमें थोड़ी थोड़ी ना जगह छोड़नी है. हर सेक्शन के बाद 1-2 लाइनें छोड़ दो, ठीक है. बेशक सेक्शन के अंदर लाइनें ना छोड़ें, लेकिन 1-2 लाइनें आपको सेक्शंस के अंदर छोड़नी है, ताकि देखने से ना वो ऐसा ना लगे कि पूरा क्लटर हो गया है, पूरा क्लस्टर हो गया है, चीजें ओवरलैप कर रही हैं. समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी एजुकेशन का सेक्शन कब स्टार्ट हुआ और इसकी स्किल्स का सेक्शन कब खत्म हो गया, पता नहीं चला. ऐसे नहीं करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा. इस बात का भी ध्यान रखें कि सब एक साथ लिखकर जो है वो आपने नहीं सबमिट करवा देना है, आराम आराम से करना है. जैसे शुरू में बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई थी ना मेन्यू कार्ड की, तो मेन्यू होता है तो क्या होता है, स्टार्टर्स का एक अलग पोर्शन होता है, उसके बाद जो है वो आपके पास मेन कोर्स आ जाता है, फिर आपकी ड्रिंक्स हैं, डिजर्ट्स हैं, ठीक है, हर चीज का अलग अलग सेक्शन है ना, और हर पेज मुख्तलिफ होता है, यहाँ सेक्शन में जगह छोड़ी हुई होती है, तो जगह प्लीज छोड़ दीजिएगा, ताकि सब कुछ एक साथ मिक्सअप ना हो जाए आपका, ठीक है. अलाइनमेंट का आपको बहुत ख्याल रखना है कि टेक्स्ट जो है वो आपका जाते थे जापान पहुंच गए चीन ना हो जाए, ठीक है ना, स्ट्रेट लिखना है और स्ट्रेट ही जा रहा हो. ये इधर से उधर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पसंदीदा मशगला है, वो जंप बहुत करता है, उधर से उधर चीजें हो जाती हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो टैब्स इस्तेमाल करने हैं, एक कंसिस्टेंट आपने अपनी अलाइनमेंट रखनी है. इसको जज करने का यही बेहतरीन तरीका है कि जो हम आगे भी बात करेंगे कि आपकी सीवी जब बन जाए या जब आप इसको बना रहे हो ना, प्लीज किसी साइटेड फ्रेंड से जो है वो आप हेल्प ले लें, ताकि वो आपको देख के बता दे कि हाँ चीज सही है, क्योंकि कभी कभी इस चीज को हमारे लिए जज करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है. तो आप इसमें डेफिनेटली हेल्प लीजिएगा, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सबमिट ऑन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है. तो आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ ठीक है मैंने बना लिया तो बना लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको डेफिनेटली किसी से चेक जरूर करवाना है, ठीक है. कंसिस्टेंट रखें अपनी फॉर्मेटिंग को. फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी, ऐसा नहीं है कि पहला सेक्शन जो है उसमें आपने बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल कर लिए, साइज 12 रखा, टाइम्स न्यू रोमन रखा, और जो अगला सेक्शन है आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है मिस हाजरा ने तो कहा था कि आप 11 भी रख सकते हैं और आप एरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब अगला सेक्शन जो है वो मैं एरियल में बना देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है. अगर टाइम्स न्यू रोमन रखा है तो पूरा टाइम्स न्यू रोमन में ही होगा, और अगर आपने एरियल रखा है तो फिर पूरा एरियल ही होगा. ऐसा नहीं कि एक पेज को ऐसा कर लेते हैं, दूसरा पेज जो है वो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू कीप इट वेरी कंसिस्टेंट. फॉर्मेटिंग के हवाले से लास्ट जो आपको मैं बात बताना चाहती हूँ, उसे आप याद कर लें. फॉर्मूला जैसे हम याद करते हैं ना, 2 + 2 = 4, दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा आपसे, राइट. तो इसी तरह सीवी के हवाले से भी एक फॉर्मूला है, आप उसे याद कर लें, एंड दैट इज के सीवी हमेशा 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 आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाओगे, ठीक है, या किसी टेम्पलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, खुद से बना लो तो भी चलता है, अगर कोई टेम्पलेट मिल जाता है किसी सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बाय स्टैंडर्ड वो बनेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर. और दूसरी जो हमारी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई और है, ये इस्तेमाल नहीं होगा. सीवी विल ऑलवेज बी मेड ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर कोई भी, अगर आप जैसे हम तो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं ना, अगर आप गूगल सूट इस्तेमाल करते हैं तो गूगल डॉक्स पे बनाओगे आप, ठीक है. और जब आपकी सीवी बन जाएगी आप उसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल अपने पास सेव रखेंगे, ताकि आपको जब भी एडिट करना हो आप उसी को ओपन करके एडिट करें. लेकिन जब आपको सबमिट करवाना है, किसी को सीवी भेजनी है कि फॉरवर्ड करनी है, या किसी को भी आपको सेंड करनी है डायरेक्टली एचआर को देनी है, वो आप भेजोगे हमेशा हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में. इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ये सवाल पूछना ही नहीं है कि सीवी कैसे भेजनी है. सीवी विल ऑलवेज बी सेंट एज अ पीडीएफ, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. किसी को नहीं पूछना, किसी से कंफर्म नहीं करना, 100% हमेशा पीडीएफ के फॉर्म में जाएगा. वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं भेजिएगा किसी को भी, कभी भी नहीं भेजते. इसका रीजन ये है कि हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट का डिफरेंट वर्जन हो सकता है, आपने जिस तरह से बनाई है वो किसी के पास पहुंचेगी, वो किसी के और फॉर्मेट में खुल जाएगी, सारी अलाइनमेंट आगे पीछे हो जाएगी. पीडीएफ इज परमानेंट, वो चेंज नहीं होता. जिसको भेजोगे, जहां भेजोगे, वो जिधर भी ओपन करेगा वो सेम ही लुक देगा. तो पीडीएफ बनाकर ही हमेशा रेज्यूमे सेंड करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल मत सेंड कीजिएगा. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब जो है वो हम अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जाते हैं और पहुंचते हैं सेक्शंस के बारे में, कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो हमें ऐड करने हैं. सर शायन, अगर फॉर्मेटिंग के हवाले से अगर आपके जहन में कोई बात है जो मुझसे मिस हो गई हो तो उसे आप ऐड करें, सो देन वी कैन मूव ऑन टू द डिफरेंट सेक्शंस, के सेक्शंस कौन कौन से हैं सीवी की और उसमें क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी होती हैं. एग्जैक्टली
नहीं मिस, थैंक यू सो मच, आपने काफी ब्रीफली और अच्छे तरीके से और बहुत कई जगह पे स्ट्रिक्टली भी बोल दिया, जैसे टीचर नहीं बोलते कि बिल्कुल इस तरह होना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही बस। अब इंशाल्लाह मैं भी अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऐसे तो पीडीएफ में ही है लेकिन मिस ने कह दी तो मैं करूंगा जरूर। डेफिनेटली अच्छा, मूव ऑन, मूविंग फर्दर, ठीक है, हमारे बस के बाद मुख्तलिफ सेशंस सेक्शंस आ जाते हैं, इसमें हम लोग किस किस तरह क्या क्या चीज मेंशन कर रहे होते हैं वो बताता हूँ मैं। उसके बाद फिर जो एक इसमें आती है कि जी अबाउट यू, या आपका जो एक पैराग्राफ होता है जिसमें आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं और आप क्यों इस कंपनी को, या अपने करियर के हवाले से बता रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा सा पैराग्राफ मिस हाजरा बताएंगी, ठीक है जी। अच्छा, जी हम जी बात कर रहे थे कि हमारे पास सेक्शन क्या होते हैं, तो सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले आएगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपके पास, मैंने जैसे शुरू में भी बताया था कि हमने इररिलेवेंट मालूमात नहीं देनी जिससे एम्प्लॉयर का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आपका नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, सिर्फ सिंपल सा ये आना है। उसके बाद अगर आपने एड्रेस देना है तो सिंपल आप ये बता सकते हैं किस इलाके में रहते हैं या किस एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं, भादराबाद, कराची में भादराबाद हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं सोल्जर बाजार, गुलशन। अब ऐसा नहीं है कि जी 3/6 गली नंबर 7 इश्तियाक कराने वाले के बराबर में, नहीं, ये उसका कोई नीड ही नहीं है। एम्प्लॉयर आपके पास कोई क्या कहते हैं गिफ्ट नहीं भेज रहा, ठीक है, राइडर नहीं भेज रहा कि जी आप ये गिफ्ट रिसीव कर ले। सिंपल उसको इतना जानना होगा कि हाँ यार इस इलाके से मैं बंदे को हायर करूं नहीं करूं। बहुत सारी जगहों पे ना इन चीजों को कंसीडर किया जाता है कि किस इलाके से बंदा आ रहा है, क्योंकि वो ओवरऑल अपने जो परफॉर्म मतलब क्या कहते हैं इसको, साल के 12 महीने में किस किस जगहों पे हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज को कंसीडर कर रहा होता है, उसको नोटिस कर रहा होता है कि यार अगर इस बंदे से, इस इलाके से बंदा आएगा तो किसी साल के किसी ऐसे महीने में मैं स्टक तो नहीं हो जाऊंगा। मैं खास तौर पर मिसाल दूं यहाँ पे कॉल सेंटर की, ठीक है, कुछ ऐसे इलाके होते हैं कि जो मुख्तलिफ ओकेजन्स पे बंद होते हैं, ठीक है, तो अगर वहां से हायरिंग होगी और ज्यादा हायरिंग कर ली तो ऐसा ना हो कि भाई मैं बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट पे स्टक हो जाऊं, मेरे पास वर्क फोर्स ही अवेलेबल ना हो। तो सिंपल उसको इलाका जानना है, पूरा एड्रेस नहीं जानना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो मजीद पर्सनल डिटेल में आपने मैरिटल स्टेटस नहीं बताना, ठीक है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने रखना है कि जी नेम शायान, कॉन्टेक्ट दिस, ईमेल एड्रेस ये। अच्छा, दूसरी चीज के अगर आपको लगता है कि हाँ फर्ज कर लें कि आप क्या कहते हैं अप्लाई कर रहे हैं कॉल सेंटर के लिए, या क्या कहते हैं किसी कॉरपोरेट सेक्टर में कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने ईमेल एड्रेस के साथ साथ आप यहाँ पे बता रहे हैं जी मेरी वेबसाइट ये है, तो उसका कोई नीड नहीं है। अनटिल और अनलेस जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनर के लिए अप्लाई किया, तो वहां पे अगर आपके पास कोई ऐसी चीज जो आपने अपनी वेबसाइट पे या अपने प्रोफाइल पे, किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, क्या कहते हैं फेसबुक प्रोफाइल पे, वहां पे आपने वो की हुई है, शोकेस की हुई है, तो आप अपनी डिटेल्स में, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में वो आप जो उसका लिंक है वो जरूर मेंशन करें, ताकि एम्प्लॉयर देख सके कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या काम किया। अब आपकी एक्सपर्टीज ग्राफिक डिजाइनिंग में है, लेकिन फॉर इंस्टेंट आपको अप्लाई करना पड़ गया है किसी और जगह पे जिससे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो फिर वहां पे आप अपने अगर वेबसाइट या कोई भी ऐसी चीज प्रोफाइल मेंशन करेंगे तो वो यूजलेस होगी, ठीक है। तो ऐसी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ना मेंशन करें कि जो अगले के काम के ना हो। उसके बाद मैंने बताया कि आपको एक ब्रीफ स्टेटमेंट अपनी आनी चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं लाइफ में, आपका करियर क्या, आप किस करियर को फोकस करना चाह रहे हैं, वो एक अच्छा सा पैराग्राफ जो कि अपीलिंग हो, बहुत क्या कहते हैं ड्रैग ना करें, लेंथी ना हो, शॉर्ट हो और अपीलिंग हो। इसके बाद आपके आते हैं अगले सेक्शन में, तो एजुकेशन आपने मेंशन करनी है, ठीक है, जिस तरह मैं इसने पहले बताया कि रिज्यूमे में आप अपनी जो रिसेंट एजुकेशन होती है वो पहले मेंशन कर रहे होते हैं, और सीवी में आप असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं शुरू से आखिर तक, लेकिन रिज्यूमे में आखिर से रिवर्स लेके शुरू तक जाते हैं, सही है जी। अच्छा, एजुकेशन के बाद अगला सेक्शन आता है हमारे पास, जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट आपने मेंशन करनी है कि दिस एंड सर दैट, इस कंपनी में काम करते हुए मैंने ये अवार्ड हासिल किया था, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ था मैं, या एक्स वाई जेड
बेस्ट परफॉर्मर था, वो आपने अपने रिवॉर्ड्स मेंशन करने हैं, आपने कोई सेमिनार्स या कोई वर्कशॉप अटेंड की वहां पे आपको अचीवमेंट मिले कि भाई रनर अप या फर्स्ट पोजीशन, वो आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा स्किल्स का कि मैं कर क्या क्या सकता हूँ। मेरे अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी स्किल है, ठीक है जी, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, मैं वेब डेवलपिंग भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने, अच्छा फिर वही यहाँ पे भी एक चीज मद्देनजर जरूर रखनी है, जिस तरह मैं इसने पहले बताया, इररेलीवेंट मालूमात नहीं देनी, क्योंकि हम रेज्यूमे बना रहे होते हैं ज्यादातर, नाम उसको बेशक सीवी दे रहे होते हैं लेकिन होता वो रेज्यूमे। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने एडोब रीडर या इन पेज या जो भी एडोब रीडर वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं या उनके डिप्लोमास हैं वो मेंशन करने। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुकिंग भी की हुई है पीतम से या होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो वहां पे वो भी मेंशन कर दें, प्रिसाइज करें ताकि जो काम की चीज है बस वो आगे तक पहुंचे। स्किल्स में भी आपने इसको मद्देनजर रखना है। जब आप सीवी मेंशन कर रहे हो, हाँ जरूर उसमें आप अपनी एक एक ईच एंड एवरीथिंग ए टू जेड आप मेंशन करें कि जी मैंने कुकिंग भी की हुई है, मैंने बागवानी भी की हुई है, मैं ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, मैं क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकता हूँ, वहां पे आप सब मेंशन करें। अच्छा उसके बाद जी आगे सर, बढ़ते हैं जी अमेजिंग। अगला। जी बिल्कुल, किसका सवाल? जी सर, सो दिस इज अच्छर हेयर। एक्चुअली मैं आपसे मतलब आप जब आपने नेक्स्ट सेक्शन में मूव किया था, मैं तब कोशिश कर रहा था बात करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शायद मेरी आवाज़ नहीं आई। सर एक्चुअली पर्सनल डिटेल में मतलब एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। हम एक्चुअली किसी ना फॉर जॉब श्योर, फेयर में गए थे, तो वहाँ पे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी ना, वहाँ पे जब हमने सीवी अपनी सबमिट करवाई, तो वहाँ पे दो से तीन चीजें जो है वो हमसे वो पूछ रहे थे कि क्या आपने अपनी सीवी पे एनआईसी नंबर, इश्यू डेट और अपनी डिसेबिलिटी मेंशन की है या नहीं की। तो उस हवाले से भी मैं चाह रहा था कि चूंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, लेकिन वहाँ पे ये हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि वो जो भी मतलब कंपनी जिसको भी हम सीवी सबमिट करवा रहे थे, वहाँ पे जो रिक्रूटर्स आए थे, तो वो ये सारी चीजें हमसे पूछ रहे थे कि आपने ये मेंशन की है या नहीं। अच्छा 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 इस हवाले से जो है कुछ इम्पोर्टेंट की एक्सेप्शनल की चीजें हैं जो हमने सबसे एंड में रखी हैं डिस्कस करने के लिए। इफ यू कैन बेयर विद अस, आप थोड़ा सा वेट करो। एक से दो सेक्शंस और हैं, उसके बाद ये जो डिसेबिलिटी के हवाले से जो आपका सवाल है और ये जो आपने कहा ना कि वो कंपनीज हमसे ये चीजें मांग रही थी, इसके बारे में हम जो है वो आपको एंड में कुछ गाइडलाइंस दे रहे होंगे, वहां पर इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने पूछ लिया, बाकी थैंक यू सो जी मच फॉर जी जी क्लेरिफिकेशन। श्योर 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 जी सर शायन, आप कंटिन्यू अच्छा कीजिए। जी, मूविंग फर्दर अगले सेक्शन की तरफ, हमने स्किल्स को फोकस कर लिया, अब आते हैं हम अदर्स पे। अदर्स में आप क्या क्या डाल सकते हैं कि जी आपने जहां पे वॉलेंटियर वर्क किया हो आप वो मेंशन करें, ठीक है। आपकी मजीद एक्सपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी हॉबीज भी डाल देते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आती कि एम्प्लॉयर का आपकी हॉबीज से क्या ताल्लुक वास्ता, ठीक है। आप अगर चाहें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता कि हॉबीज आप मेंशन करें। हाँ बाकी आप जो आपके इंटरेस्ट हैं कि जी अटेंडिंग सेमिनार्स, ठीक है, और करियर ओरिएंटेड हम जॉब फेयर्स मुख्तलिफ इस तरह की चीजें आपने अटेंड की हुई हैं, या अदर कोई कोर्सेज जिसमें जो इस जॉब के लिए सूटेबल साबित हो सकते हैं, फर्ज कर लें कि जी आपने कोई इंग्लिश कोर्स किया हुआ है, आप वहां पे मेंशन करें, बिल्कुल करें कि जी हाँ मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है स्किल, और बाकी इसके अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा मेरी ईमेलिंग भी बहुत अच्छी है, मैं ईमेल बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सकता हूँ। इस तरह की चीज आप अदर में मेंशन करेंगे स्किल्स में भी, ठीक है। आपने कहाँ कहाँ प्रोफेशनल या क्या कहते हैं कोई प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया हो यहाँ, या कोई मजीद बाजू का होता है कि आपने कोई प्रॉपर जॉब नहीं की होती लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स को डील किया होता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 3 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट आपको मिला, 6 महीने के लिए, साल के लिए आपको मिला, तो वो आप वहां पे इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ जो आपने सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, आपने गवर्नमेंट लेवल पे या कोई एसोसिएटेड विद बोर्ड, एनी टेक्निकल बोर्ड या कोई भी किसी किस्म का जो टेक्निकल सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अदर के सेक्शन में। उसके बाद आपने मूव ऑन करते हैं हम अपने रेफरेंस पे कि जी फर्ज कर लें आपने सारा कुछ अपने बारे में बता दिया, अब आप एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि जी ठीक है जी मुझे आप हायर करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपके जिसे कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन करना, तो वहां पर रेफरेंसेस होते हैं कि भाई अगर आपसे कोई मांगे, हम अक्सर यहाँ पे एक लाइन लिख रहे होते हैं रेफरेंस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, कि आप अगर डिमांड करेंगे तो आपको जरूर दे दिया जाएगा।
मींस के जो अगला आपका एम्प्लॉयर है वो आपके पिछले एम्प्लॉयर से कॉन्फर्मेशन करना चाह रहा है कि भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, क्या था, आया ही वॉज गुड और ही वॉज बैड या ही वॉज इन्वॉल्व इन समथिंग, तो इस तरह का वो ट्रैक रिकॉर्ड जानने के लिए। और अक्सर ये सिर्फ इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी ना समझिएगा, अक्सर एम्प्लॉयर पिछले एम्प्लॉयर से फीडबैक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं अपने लास्ट सेक्शन में कि जी रेफरेंस फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट या आप विल बी अवेलेबल, ठीक है। मिस आजरस, मैं कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं, फर्दर इसमें कोई और पॉइंट नहीं है. अब इंशाल्लाह जब मैं पर्सनल स्टेटमेंट और इन सेक्शंस को दोबारा जब रिव्यू कर रही होंगी तो इंशाल्लाह इसमें से चीजें ऐड ऑन होंगी, लेकिन फिलहाल इसके अंदर मैं कोई चीज ऐड ऑन नहीं करना चाह रही. अच्छा, इसमें बीच में स्किल्स के बाद हमने एक और चीज थोड़ा मिस कर गया था। यहाँ पे हम अपना जो क्या कहते हैं करियर हमारा वो है, उसको क्या कहना चाहिए, जो हमारी मैं अब तक के जो जॉब्स हैं वो मेंशन करने हमने, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपनी मेंशन करनी है, लेकिन किस तरह, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगेन, कि आपकी जो इस वक्त करंट जॉब है वो टॉप पे आ रही हो, इसके बाद आपने जो इससे प्रीवियस काम किया हो या उससे पिछले, फिर वो रिवर्स ऑर्डर में आप वहां पे मेंशन करोगे। और वहां पे सिर्फ जस्ट इतना बताएं कि जी मैंने इस पोजीशन पे इतने साल से इतने साल तक काम किया। डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जी मैं रिपोर्ट भी बनाता था, मैं उसके बाद वहां पे खाना लेने भी जाता था, मैं चाय भी सर्व करता था, चाय भी नहीं, आप सिंपल इतना बताएं, अपनी डेजिग्नेशन फर्स्ट कर लें जी के फाइनेंस मैनेजर या एचआर मैनेजर, ठीक है, टिल 2010 टिल 2018, इस तरह के 2010 से 2018 तक इस कंपनी में मैंने इस पोजीशन पे काम किया। ऑब्वियस बात है कि देखिए फाइनेंस मैनेजर का क्या काम होगा वो एम्प्लॉयर को पता है, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैं यहाँ पे लेडजस्ट भी बना सकता था, मैं जीआरएम भी प्रिपेयर करता था या मैं कैश मेमो भी बनाता था। फाइनेंस का काम यही होता है, फाइनेंस का काम ये नहीं कि जी वो चाय सर्व कर रहा हो, तो वहां पे हमें इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जी मिस हाजरा, ओवर टू यू। ठीक है, ऑल राइट. सर शायान ने हमें डिफरेंट सेक्शंस बताए, ठीक है, हमारी सीवी के हवाले से. आगे बढ़ने से पहले ये सारे सेक्शंस जब हम कवर कर रहे होते हैं इनके हवाले से एक थोड़ा सा और ब्रीफ रिव्यू मैं भी दे रही हूँगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हमारी सीवी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमने वहां पर मेंशन की हुई होती है वो होता है हमारा पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है. जैसे कुछ लोग पर्सनल समरी के नाम से भी लिख देते हैं, कुछ लोग इसमें करियर ऑब्जेक्टिव का भी नाम लिख देते हैं, ठीक है. वेरियस हेडिंग्स होती हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल. तो ये एक पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है, हर किसी की सीवी में होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर आपके साथ एक दो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे रीड आउट करती हूँ. मैं चाहती हूँ आप इसे गौर से सुने और हर पर्सनल स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं चाहूंगी हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें कि ये आपको कैसा लग रहा है सुनने से, ठीक है ना. हाउ डू यू फाइंड इट? ऑल राइट, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और इसे गौर से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ. ऑल राइट, आई विल कीप इट बाय लिंगुअल ताकि हम डिस्कशन को जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें. सबसे पहला जो पर्सनल स्टेटमेंट है यहाँ पर, उसमें इस कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि आई एम अ वेरी मोटिवेटेड एंड रिलायबल पर्सन, ठीक है. मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं बहुत रिलायबल पर्सन हूँ एंड आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है. आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड स्किल्स, ठीक है. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई जॉब. आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर कंपनी टू अचीव मोर सक्सेस. आई एम वेरी गुड विथ लीडिंग टीम्स, ठीक है. ये इसने बात मेंशन कर दी है और आगे जो है वो उसने कंक्लूजन में ये भी लिखा हुआ है कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है. और साथ ही साथ इसमें अंदर जो है वो इसने एक आध लाइन अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से भी इसने इसमें एक बात मेंशन कर दी है, ठीक है. सिंपल सा पर्सनल स्टेटमेंट है, 3 से 4 लाइनें हैं इसमें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. और उसने बेसिकली इसमें ओवरऑल यही बात की है कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, टीम वर्क बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत स्किलफुल हूँ और आपकी कंपनी में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरी क्योंकि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो अगर आप मुझे जॉब देते हैं तो मैं आपके साथ बहुत अच्छे से फिट इन कर जाऊंगा और अपनी मेरी भी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स होती रहेंगी, मैं भी एक्सेल करूंगा और आपकी कंपनी को भी बहुत बेनिफिट होगा. ये पर्सनल स्टेटमेंट कैसा है, कोई मुझे बता सकता है? सुन के कैसा फील हो रहा है, कैसा है ये कैंडिडेट? अगर आपके पास सीवी आती है और आप ये पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आप क्या 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 कंसिडर करोगे इसके बारे में, क्या समझ में आएगा आपको इस कैंडिडेट के बारे में? आई वुड लाइक कि कोई अपना इनपुट दे इसके ऊपर. जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम असलम.
मैं महबूब अली, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी हुई है जी बहुत जबरदस्त है, और कम से कम इसे ये है कि एक आइडिया हो जाएगा जिसके पास भी हमारी रिज्यूमा या सीवी जाएगी, उनका आइडिया हो जाएगा कि इसके पास ज़रा स्किल्स तो है और ये हार्ड वर्किंग भी है, तो उसको फिर थोड़ा ये तजस्सुस होगा कि इसको बुला के और इसका इंटरव्यू करें और इसको देखेंगे वाकई है इस काबिल या नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर वो रिजेक्ट करना भी चाहते होंगे तो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे ज़रूर। ठीक है, सही है। अच्छा महबूब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये पढ़ने के बाद क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये शख्स किस पोजीशन के लिए या किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है? मैम मुझे तो इससे यही आइडिया हुआ है कि ये इसने ओवरऑल इस चीज़ को मेंशन किया है कि चाहे वो किसी भी कंपनी में अप्लाई करे उसका जो भी उस कंपनी का ओनर होगा वो उसको पढ़ेगा तो वो यही समझेगा कि शायद ये मेरे लिए ही लिखा है इसने। तो मतलब उसने ऐसा मेंशन नहीं किया किसी के लिए कि मेंशन नहीं मैं किया ये है, स्पेसिफिक किसी एक के लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है। अगर यही लाइनें, चार लाइनें, मतलब अगर हम सब लोग भी अपनी रिज्यूमा या सीवी में लिख दें तो बहुत होंगी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा चलें, ये तो आपने बात मेंशन कर दी कि इसने ये पढ़कर हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या क्या पोजीशन है। दूसरी चीज इसने कहा कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, टीम के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, सही है, मैं बहुत स्किलफुल हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इस बात का प्रूफ क्या है? अब अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? आप शादीशुदा हैं या नहीं है? नो नो मैम, नहीं है, ठीक है। इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास कि आप शादीशुदा नहीं है? क्या प्रूफ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? चलें इसको और आसान बना देते हैं, आपकी मैम क्वालिफिकेशन क्या है? इसका जी मैम ग्रेजुएशन है, वैसे तो इंटरमीडिएट काउंट होगी क्योंकि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। अगर आप कहते हैं कि मैं इंटरमीडिएट हूं या मैंने ग्रेजुएशन की, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मैम मेरे पास तो ज़्यादा प्रूफ है कि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके, और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, जिसके पास आपके भी पास सर्टिफिकेट भी तो होगा ना? अभी सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, जब आ प्रूफ जाएगा। अच्छा नहीं है इंटरमीडिएट का तो है जी, ना आपके बिल्कुल पास, जी जी ठीक बिल्कुल है, है आप कह सकते हैं कि मैंने एफए किया या एफएससी किया, आपके पास आपकी इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट है। इसी तरह से अगर कोई शख्स कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, जैसे सर शायान है, ही इज मैरिड, अगर कोई इनसे प्रूफ मांगेगा तो ये अपना निकाहनामा दिखा देंगे, राइट? बिल्कुल ठीक ऐसी है, बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के नेशनल हैं, ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, क्या सबूत है आपके पास? आप अपना एनआईसी दिखाएंगे, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम सब कहते हैं कि हम सब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, तो इस बात का प्रूफ क्या है? हम सबके पास हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बिल्कुल है। ठीक है। तो अगर मैं ये बात कहती हूँ कि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं टीम वर्क कर सकती हूँ, इस बात का क्या सबूत है मेरे पास? ये तो कोई भी कह सकता है, मैंने लिख दिया, आपने मान लिया, इतना आसान होता है क्या? देखिए मैम ये इतना आसान भी नहीं होता, इसलिए मैंने कहा कि वो जब ये बंदा ये लिख देता है अपनी सीवी या रिज्यूमे के अंदर कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं टीम के साथ बहुत अच्छा वर्क कर लेता हूँ, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो कंपनी का ओनर होगा वो उसको ज़रूर बुलाएगा कि आया इसको चेक करें कि ये वाकई ऐसा है या नहीं है। तो उसको कोई ना कोई ज़ाहिर है वो टास्क देगा, अगर तो वो उसको पूरा कर लेता है तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये वाकई हार्ड वर्किंग है या ये टीम वर्क कर सकता है, मतलब उससे जो भी उसने वहाँ पे लिखा हुआ है उससे रेलिवेंट वो कोई ना कोई ऐसा टास्क दे देगा जो तीन तीनों चारों चीज़ों को जो है वो एक ही साथ उसका आइडिया हो सकता है कि ये ठीक है, ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा। और फिर जो अगर उसने नीचे अपनी डिटेल स्किल्स मेंशन की हुई हैं तो उससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा वाकई रिस्पॉन्सिबल लगता है या नहीं है, हार्ड वर्किंग है या नहीं है, टीम वर्किंग है या नहीं है इसकी, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। सही है, ठीक है।
थैंक यू सो मच महबूब. मैं एक और जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पर रीड करूंगी, फिर दोनों को हम जो है वो कंपेयर करेंगे और इसके हवाले से आगे बात करेंगे. अभी जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का. ठीक है, एक और पर्सनल स्टेटमेंट है, इसे भी आप लोग गौर से सुने. ठीक है, ये पर्सनल स्टेटमेंट ये है कि आई एम एन एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल. ठीक है, और मेरे पास जो है वो 5 साल का तजुर्बा है. मैं पिछले 5 साल से एक बहुत ही पाकिस्तान की रिप्यूटेड कंपनी में जो है वो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हूँ, और उस कंपनी की सारी डिजिटल मार्केटिंग जो कैंपेन्स हैं वो मेरे अंडर आती है. मैं उन्हें सुपरवाइज करता हूँ अपनी टीम मेंबर्स के साथ. मुझे डिजिटल मार्केटिंग का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत शौक है. मैंने 2 डिप्लोमास किए हुए हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक डिप्लोमा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो कोर्स है वो मैंने साथ में किया हुआ है, जो मुझे मेरी जॉब के अंदर बहुत हेल्प करता है. इन 5 सालों में मैंने तकरीबन 8 मार्केटिंग कैंपेन्स जो हैं उन्हें मैंने रन किया है, मैंने लीड किया है, जिससे मेरी कंपनी की जो सेल्स हैं वो बहुत बूस्ट हुई हैं. और मैं इसी करियर के अंदर जो है वो अपना इसी जो फील्ड है इसी के अंदर जो है वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ. और इसी वजह से जो है वो मैं आपके पास, आपने जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी ओपन हुई है यहाँ पर, मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ. एंड आई बिलीव के मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपकी इस कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है. अब मुझे कोई ये बताए कि ये पर्सनल स्टेटमेंट कैसा है. ये मैम सबसे बेहतर है। क्यों. इसमें उसने आपको अपनी पूरी वजाहत की अपने कैरियर के मुताबिक ना, अपने सही एक्सपीरियंस है, का बताया। डेफिनेटली उसके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होगा जिसके भी हाँ पे उसने ये बात की बिल्कुल है। जी, सही बात है. ऑल राइट, हाँ हाँ कहिए, कोई और पॉइंट अगर आप पिछले ऐड के करना चाह रहे मुकाबले हैं. में ये अथेंटिक अथेंटिक है, लिहाज से उसने अपने कैरियर को देख के बात की है। उसने अपने करियर को देखकर बात की है, सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा, अब हम आते हैं दोनों की क्लेरिफिकेशंस के ऊपर, जो आप दोनों ने इसमें अपना इनपुट दिया. थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, पहला जो स्टेटमेंट हमने रीड किया था ना वो बहुत जनरल था, बहुत जेनेरिक था. उसको पढ़कर नहीं समझ में आ रहा कि ये शख्स किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, इसके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स है. अब फॉर एग्जाम्पल टीचर है, एक टीचर की भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है. एक बंदा है जो CSR में काम करता है, उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होती हैं. ठीक है, मार्केटिंग या सेल्स में कोई काम कर, उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं. ये पढ़ के मुझे क्या पता कि ये कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, हार्ड वर्क, ये सारी चीजें क्या है, जेनेरिक है. ये हर जॉब के लिए एप्लीकेबल है, हर जॉब यही चीज डिमांड करती है. हम सबसे बड़ी गलती अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखते वक्त यही करते हैं कि हम इसे बहुत जनरल या बहुत जेनेरिक बना देते हैं, जो हर किसी के लिए सूटेबल है. जैसे महबूब ने ये बात कही भी थी अभी कि इसे पढ़ के नहीं हमें समझ में आ रहा, ये तो कोई भी लिख सकता है अपने CV के अंदर. आप मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, CSR के लिए कर रहे हो, फाइनेंस के लिए कर रहे हो, दिस इज रेलिवेंट एवरीवेयर. लेकिन हमने क्या बात की थी कि हमारी CV कभी भी या हमारा रेज्यूमे जो है वो जेनेरिक नहीं होता, यू नीड टू कीप इट स्पेसिफिक. इसके बरक्स अगर हम इस दूसरे पर्सन स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें क्या है, सुनते ही आपको पता है कि ये शख्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखता है और मार्केटिंग की फील्ड में ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है. मैंने उसमें पिछले वाले में कहा था कि मैं बहुत स्किलफुल हूँ, मेरे पास बहुत स्किल है. भाई क्या स्किल है बताओ तो सही, मुझे क्या इल्हाम थोड़ी होगा आपकी CV पढ़ के आपके पास क्या स्किल है. तो यहाँ पर शख्स ने क्या मेंशन कर दिया कि मैंने SEO और SMM दोनों के अंदर जो है वो डिप्लोमास किए हुए, ये मेरी स्किल है, मेरे पास 5 साल का तजुर्बा है, मैं फलां कंपनी के साथ काम करता था और ये मेरा एक्सपोजर है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. तो ये बातें क्या करती है कि आपके पर्सनल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देती है. तो जब भी आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे आप उसे कभी भी जनरल नहीं छोड़ देंगे. ठीक है, अब इसने ये बात कही है कि मैं फलां कंपनी में 5 साल में काम करता था और मैंने 8 से 10 मार्केटिंग कैंपेन्स चलाई हैं अपनी टीम के साथ, तो उसको मेंशन करने की अब जरूरत ही नहीं है कि भाई मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ, प्लीज मुझे जॉब दे दें, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ. नहीं, आपका जो काम है उसका प्रूफ आप साथ में लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये बात कन्विंस हो जाती है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये इंसान 5 साल से काम कर रहा है, 8 से 10 मार्केटिंग कैंपेन की हैं, इसके पास ये डिप्लोमाज हैं, ये फला कंपनी में काम कर रहा है, तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी. अब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा कि भाई हर कोई कह देता है कि भाई मैं तो बहुत हार्डवर्किंग हूँ, हर कोई कह देता है मैं तो भाई बहुत मोटिवेटेड हूँ. लेकिन इस चीज का प्रूफ आपको वहां मेंशन करना है, तो आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट को या अपनी CV के अंदर कभी भी कोई भी चीज जो जनरल या जेनेरिक है आप उसे नहीं बनाएंगे. ठीक है, नहीं लिखेंगे, यू हैव टू कीप इट स्पेसिफिक. जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं
उसका नाम, आपका एक्सपीरियंस, हर चीज उसके अंदर जानी चाहिए. जनरल जनरल बातें नहीं करनी है, स्पेसिफिक करनी है टू मेक योर सीवी मोर स्ट्रांग. ठीक है, अगर हम सेक्शंस के बारे में दोबारा जो है वो गो थ्रू करें, जो सर शायन ने हमें बताया था. पर्सनल स्टेटमेंट आपका लिखने के बाद सबसे पहले जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको सर शायन ने बताया कि इसमें क्या क्या इररेलीवेंट चीजें हैं वो आपको नहीं मेंशन करनी है. तो अब मेंशन क्या नहीं करना ये आपको सर शायन ने बता दिया. अब मेंशन क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ. सिर्फ 3 से 4 चीजें हैं. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम आ जाएगा, आपके रिक्रूटर को आपका नाम पता होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, ठीक है, या आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो लिखा हुआ है. लेकिन जैसे सर शायान ने कहा कि वो आपको कोई पार्सल नहीं भिजवाने वाला, ठीक है, आपका पूरा पोस्टल एड्रेस नहीं चाहिए, सिर्फ एरिया मेंशन कर दो. जैसे सर ने बताया कि इट्स इंपॉर्टेंट रिक्रूटर को पता होना चाहिए आप कहाँ से आ रहे हो. इसका एक और बेनिफिट ये है कि कभी कभी कुछ कंपनीज कन्वेयंस अलाउंस भी दे रही होती हैं, या फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दे रही होती हैं. उनको पता होना चाहिए कि भाई ये जो मेरा एम्प्लॉय, ये जो मेरा एम्प्लॉई है, ये कहाँ रहता है, कहाँ से इसको लेने जाना है, या इसको कितना कन्वेयंस अलाउंस देना है, या कुछ लोग फ्यूल जो है वो भी दे रहे होते हैं. ठीक है, आपका फ्यूल भी कवर हो रहा होता है तो उसके हिसाब से उन्हें कैलकुलेट करना होता है. दे वुड नो कि कहाँ रहता है और कहाँ से आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड योर फोन नंबर, आपका एक्टिव फोन नंबर आपको वहां पर मैंशन कर देना है, एंड दैट इज इट. इसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे सर शायन ने बताया था, अगर वो एक्टिव है, मेंटेन्ड है, या कोई और आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपका काम आप डिस्प्ले करते हो, तो आप वहां पे मेंशन कर दोगे. अगर मिसाल के तौर पे उस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका एक फेसबुक का अकाउंट है, आपका यूट्यूब का चैनल है, लेकिन उसका ताल्लुक आपके काम से नहीं है, तो उसको आप वहां पे क्यों मेंशन करोगे, कोई नीड नहीं है. अच्छा अगर आप ऑडियो एडिटिंग की जॉब के लिए आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो, यू वांट टू बिकम एन ऑडियो एडिटर, और एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आपने अपना काम जो है वो एडिट करके पोस्ट किया हुआ है, आप वहां पर आप उसको ऐड कर दो कि आप, अगर आपको मेरा काम देखना है, मेरी प्रोफाइल देखनी है, ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, जाके आप विजिट करें, आपको यहाँ पे मेरे काम का सैंपल मिल जाएगा. लेकिन अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो आपके काम से ताल्लुक नहीं रखता है, तो आप उसको वहां पर नहीं उसका जिक्र करेंगे. सिर्फ वो चीजें डालेंगे सोशल मीडिया के हैंडल्स जहाँ पे आपके जॉब रिलेटेड चीजें आपको मिल रही होंगी. अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मिस ने बोला कि जी एक्टिव कांटेक्ट डिटेल, ठीक है, एक्टिव यस कांटेक्ट नंबर, कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा कांटेक्ट नंबर भी होते हैं, ठीक है, तो प्लीज वो मेंशन कीजिएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 3-4 नंबर हैं, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादातर एक्टिव या व्हाट्सएप पे कनेक्टेड अपने एक पर्टिकुलर नंबर से होता हूँ, तो वही हमने मेंशन करना जिससे हम प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे सके। ऐसा ना हो कि हमने कोई ऐसा नंबर मेंशन किया हो कि भाई जिसपे मैं लेस एक्टिव हूँ, क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली दूसरे नंबर से मैं लेस एक्टिव हूं, तो वो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। और ज्यादातर आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सही है, हम व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि आपकी व्हाट्सएप का नंबर और जो आपका जिस पे आप सिम पे जो आंसर करते हैं, ठीक है, आपकी मेन सिम का जो नंबर है वो आप मेंशन कर दें. एंड ये भी मैं लोगों को अक्सर सजेस्ट कर रही होती हूँ कि प्लीज आप कोशिश करें कि आपका व्हाट्सएप और आपका सिम सेम नंबर पे हो. अक्सर हमारे पास उनके मल्टीपल सिम्स होती है, तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप एक नंबर से चला रहे हैं, दूसरा नंबर जो है हमारा फोन का है. कोशिश करें कि सीवी पे जो है वो नंबर दें और एक ऐसा नंबर अपने पास मेंटेन करें जो आपकी कॉल पर और आपकी सिम पर, मतलब आपकी व्हाट्सएप पर जो है वो दोनों चीजों के ऊपर अवेलेबल हो, ताकि ये इस तरह की जो कन्फ्यूजन है ना वो क्रिएट ना हो. दिस विल मेक इट मोर ईजी. ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें कि कोई ऐसा नंबर हो आपके पास जो आप मेंशन करें. और दूसरा, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में मैंने आपका ईमेल एड्रेस भी आपको बताया था. प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस अपना बना लें, अगर नहीं बना हुआ, और वो अपनी सीवी पे आप ऐड कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो अगर pindyboy@gmail.com लिख के दे दिया है वहां पर, ठीक है, या फिर papakipari@yahoo.com बनाकर अगर आप अपनी सीवी पे डाल रहे हो, इन लोगों को कोई जॉब नहीं देगा. ठीक है, प्लीज अपने नाम के साथ एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बना लें जिसमें आपका नाम होना चाहिए, साथ में कोई नंबर या दूसरे कैरेक्टर्स आप ऐड कर दें, बेशक, नो प्रॉब्लम. ठीक है, जैसे मेरा अपना जो ईमेल एड्रेस है, सही है, जो मैं प्रोफेशनली अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो है hajra.saleem@yahoo.com. ठीक है, मेरा नाम है और आप साथ में कोई कैरेक्टर्स ऐड कर दें. लेकिन ये जो हमने रफ से ईमेल एड्रेसेस बनाए होते हैं जिससे हम अपना फेसबुक चला रहे हैं, वो अपनी सीवी पे प्लीज मत डालिएगा. ईमेल एड्रेस बनाने में कोई देर नहीं लगती है, फटाफट जाएं एक नया ईमेल एड्रेस जनरेट करें, प्रोफेशनली उसे अपनी सीवी पे इंक्लूड करें. ये इस तरह के जो इनफॉर्मल से हम बना लेते हैं ना, प्लीज ये ना बनाए, ये बहुत ही खराब इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है. प्लीज इस चीज को भी अपने पास नोट में रखें.
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमारा एजुकेशन का सेक्शन आता है, आपको सर ने बताया था कि जो चीज़ लेटेस्ट की है वो सबसे पहले लिखना है और फिर रिवर्स ऑर्डर में चलना है। अब इसमें ये भी होता है कि देखो हमारे पास जगह कम है, गुंजाइश कम है, जैसे जैसे अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बढ़ रही है ना, तो आप प्रीवियस वालों को आप जो है वो आप रिमूव कर सकते हो। अब मैं अगर बात करती हूँ कि कोई इंसान जो है वो पीएचडी होल्डर है, तो अब उसने लिखा है पीएचडी, उसके बाद वो लिखेगा एमफिल, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स, फिर जो है वो आपका मेट्रिकुलेशन आपका इंटरमीडिएट पे जाएगा। अब एक बात बताओ, अंडरस्टूड सी चीज है कि अगर कोई शख्स अब पीएचडी होल्डर है तो भाई उसने मैट्रिक तो किया ही होगा ना, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। थ्री क्वालिफिकेशंस अगर आप बैक लिखते हो ना, दैट इज मोर देन इनफ, खास तौर पे अगर आपने कोई प्रोफेशनल लेवल तक की आपने पढ़ाई कर ली है, हायर एजुकेशन आपके पास है, पीएचडी, एमफिल, मास्टर्स, बस। अब बैचलर्स को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरमीडिएट मेट्रिक तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो ये चीज आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो जाएगी। बहुत पीछे तक अगर आप जाते रहोगे तो वो इरेलीवेंट भी हो जाएगा, जगह भी ले लेगा और उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एजुकेशन के अंदर एक और चीज लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि अच्छा हमने जो डिप्लोमास किए हुए हैं, ठीक है, या अगर इस तरह की कोई हमने कोर्सेज किए हुए हैं तो वो कहाँ पर हम मेंशन करें, वो हम एजुकेशन में ही करें या फिर हमारे कोर्सेज और डिप्लोमास की हम एक अलग हेडिंग बना लें। तो जी ये भी जो है वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, दोनों चीजें आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एक सेपरेट सेक्शन भी बना सकते हो, आप चाहो तो आप उसको अपनी एजुकेशन के अंदर भी साथ साथ मेंशन कर सकते हो। एक और चीज जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है वो ये है, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जी आवाज आ रही है हाजरा। यस जी जी यस आई एम सो सॉरी, असल में आई रिसीव्ड अनदर कॉल तो मुझे लगा शायद जूम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ऑल राइट, एक और चीज जिसका आपको ख्याल रखना है, जिसे सर ने बताया था कि जब हम अपने वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम मेंशन करते हैं कि आप कहाँ जॉब करते हो, कब से कब तक किया है। एजुकेशन में भी आपको यही करना है, आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी डिग्री का नाम, साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या जिस भी स्कूल कॉलेज से किया है उसका नाम, और आपका ईयर कि कब आपने पास किया था। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अगर मास्टर्स मेंशन करती हूँ तो मैं लिखूंगी कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2018, क्योंकि मैंने 2018 में पास किया था। तो ये बात आपने जरूर मेंशन करनी है। और इसी तरह से जो आप कोर्सेज करते हैं या डिप्लोमास करते हैं, कहीं से भी आपने कोई शॉर्ट कोर्स भी किया है तो वो भी आपको यूं ही मेंशन करना है। आपने नई सुबह से आप लोगों ने कोर्सेज किए हैं हमारे साथ, राइट? तो आप वहां पर मेंशन कर दो कि कॉल सेंटर कोर्स, और ब्रैकेट में जो है वो आप मेंशन कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, और ब्रैकेट में आप ईयर मेंशन कर दो कि मैंने कौन से ईयर में किया था, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सिंपली लिख देते हैं कि ऑडियो प्रोडक्शन कोर्स। अरे भाई कहाँ से किया, कब किया, ऑथेंटिक है नहीं है, ये सामने वाले को कैसे पता चलेगा, ठीक है। और जिस भी इदारे का आपने नाम लिखना है ना, ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि उसकी स्पेलिंग और प्रॉपर पूरा नाम आप उसमें जरूर मेंशन करें, सही है। जैसे अक्सर लोग लिख देते हैं कराची यूनिवर्सिटी, अब वो इतना कॉमन हो गया कि कोई इस बात को रियलाइज नहीं करता कि कराची यूनिवर्सिटी का नाम कराची यूनिवर्सिटी नहीं है, प्रॉपर नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये लिखना है। हमारे बच्चे जो नई सुबह से कोशिश करके जाते हैं, आप लोग भी लिख देते हो नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, ठीक है। अब वो इतना कॉमन हो गया है तो नहीं पता चलता, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, ये नाम है, ये मेंशन करें प्रॉपरली, ठीक है। आप लोगों की सर्टिफिकेट्स के ऊपर हर चीज लिखी हुई होती है, ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, आप वहां से देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रॉपर नाम क्या है और सही स्पेलिंग के साथ, ठीक है। और हम लोग क्योंकि ऑब्वियसली चीज को एक्सेसिबल बनाने के लिए, हमारे लेक्चर्स में भी आपने सुना होगा, हम स्पेलिंग के साथ ईमेल एड्रेसेस जो है वो आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग नई सुबह को NAI जो इसका सही स्पेलिंग है ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग NAYE, मैंने लोगों को लिखते हुए देखा है, बच्चों को NAE लिख देते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से ना करें, स्पेलिंग्स को मेक श्योर करें और उसी तरह से जो है वो आप उसको मेंशन करें आगे। वर्क अच्छा मिस एक्सपीरियंस का भी यही है। जी सर मिस मैं यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। अभी जैसे आपने बिल्कुल स्पेलिंग का बोला, बिल्कुल सेम गोज विद ईमेल एड्रेस। एक तो ये यस चीज कि जब आप ईमेल एड्रेस बताएं सॉरी बनाएं, तो उसको मेमोराइज करें और ऐसा रखें कि जो आप इजीली याद रख सकें। मैंने अक्सर बच्चों को ये करते हुए देखा है कि सर वो ईमेल तो याद नहीं, आप एक काम करें नया बना के नया डाल दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर CV पे एक नया ईमेल एड्रेस आ रहा हो, ठीक है। कोई एक कॉन्स्टेंट रखें और ऐसा रखें कि जिसका आपको पासवर्ड भी याद हो और इजीली वो क्रैक भी ना हो सके पासवर्ड, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज हो जो आप याद रख सके।
और ईमेल एड्रेस में भी स्पेलिंग्स का इसमें इशू ये आता है कि अक्सर हम जब अपने जो सर्टिफिकेट्स ईमेल कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे बहुत इशू आता है। बच्चे फर्ज करते, जैसे भी आपने नई सुबह की बताया कि नई सुबह की स्पेलिंग NAISUBAH, कुछ लोग NAI भी लिख रहे हैं, NAY भी लिख रहे हैं, तो जब ईमेल एड्रेस बनाएं तो जो स्पेल जिस स्पेलिंग के साथ बना रहे हैं ना, एग्जैक्ट वही वहां पे मेंशन कीजिए। अपनी तरफ से बस एक कंसिडरेशन करते हुए ना लिख दें और उस चीज को याद रखें ताकि कॉन्स्टेंट रहे। बार बार चेंज होगा तो आपके रिक्रूटर को आपको कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत होगी। मुख्तलिफ ईमेल्स जो करनी होगी, जैसे फर्ज के लिए ऑफर लेटर ईमेल करना है या ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, तो ईमेल एड्रेसेस कॉन्स्टेंट होने चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, स्पेलिंग के मामले में कोई गुंजाइश नहीं होती है, दैट हैज टू बी करेक्ट। और पासवर्ड्स वाली बात जो शायान सर ने कही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत कह रहे होते हैं मिस पासवर्ड याद नहीं भूल गए, मिस पासवर्ड याद नहीं भूल गए। अपने पास उसे किसी सेफ सिक्योर जगह पे आप लिख कर सेव भी कर सकते हो, और ऐसी कोई चीज क्रिएट करो जो आपको ऑटोमेटिकली याद रहे, ठीक है? क्योंकि हर मरतबा ये चेंज करना, ये भी बहुत अनप्रोफेशनल सा लुक दे रहा होता है, ठीक है? तो ये दिस वॉज अ वेरी गुड पॉइंट, इस चीज को भी आप जरूर अपने जहन में ख्याल रखिएगा, ठीक है? स्किल्स की अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, अब स्किल्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर जितनी भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, वो सारी वहां पर आपकी जा रही होंगी। अब टेक्निकल स्किल्स में क्या आता है? टेक्निकल स्किल्स में आता है जो जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जॉज यूज कर सकते हो, आप एनवीडीए यूज कर सकते हो, आप वहां पर मेंशन करो, ठीक है? जी शो है, कोई और इस तरह की सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू गो देयर। आप गोल्ड वेव पे एडिटिंग कर सकते हो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आप वहां पर वो मेंशन कर दो, ठीक है? दूसरी चीजें होती हैं जो एडिटिंग के हवाले से, या दूसरी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रोफिशंसी है आपको, ठीक है? या गूगल के एप्लीकेशन की आपको प्रोफिशंसी है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपकी टेक्निकल स्किल्स के अंदर आ रहे होते हैं, वो आप वहां पर मेंशन करेंगे कि मुझे ये सारी चीजें इस्तेमाल करने आती हैं। बेशक आप ब्रैकेट के अंदर उसके वर्जन भी लिख सकते हो कि मुझे गोल्ड वेव का फला वर्जन इस्तेमाल करना आता है, ठीक है? रीपर है, दूसरी चीजें हैं, ये सारी आपकी वहां पर आ जाएंगी। अक्सर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स जो हैं, वो कह रहे होते हैं कि मैं समय नहीं आता कोई सॉफ्टवेयर चलाने। आपको जॉज आता है ना यूज करना, एनवीडीए यूज कर सकते हो ना, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही है ना, यू कैन यूज दिस, मेंशन इट ओवर देयर, ऐड करो वहां पे कि मुझे आई हैव प्रोफिशिएंसी विद गूगल एप्स विद जॉज, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विद एनवीडीए। जो चीज जिस तरह से यूज कर सकते हो, जिस सॉफ्टवेयर के साथ यूज कर सकते हो, उसको आप वहां पर मेंशन कर दो, ठीक है? तो आपकी टेक्निकल सारी स्किल्स वहां पर स्किल्स के सेक्शन में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसीज के अलावा क्या, लैंग्वेज लिखो वहां पर, ठीक है? क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं हमें कोई स्किल ही नहीं है। अरे भाई, क्यों स्किल नहीं है? क्या लैंग्वेज आपकी स्किल नहीं है? और हम पाकिस्तानियों के ऊपर तो अल्लाह ताला की मेहरबानी यह है कि वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पर हम सब बायलिंगुअल होते हैं। हम बड़ा जो है वो अंग्रेजी के पीछे एक बायसनेस है हमारे पास, यहाँ बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। अगर आप अंग्रेजों को पूछो, उनको अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी जबान नहीं आती है। हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम सब बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल हैं, ठीक है? तो जो जो लैंग्वेजेस आपको बोलने आती हैं, जिन पे आपका कमांड है, वो भी आपके स्किल्स के ही सेक्शन में जाएंगे। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, जो भी आपकी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। क्योंकि देखें, जैसे कॉल सेंटर टाइप की जॉब्स हैं, वहां पर तो खास तौर पे ऐसे लोगों को रिक्रूट करना होता है स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए, जहां पर किसी रीजनल लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, आपका डायलेक्ट अच्छा है, आप उसमें अच्छे से बात कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है? वहां पर इन जगहों पर आपको चाहिए होता है। कुछ जगहों पर टीचिंग फैकल्टी में आप लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस चाहिए, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है। बहुत सारी अगर जगहों आपको, पे हाँ ट्रांसलेटर की जॉब प्रॉपर होती है कि जो बिल्कुल अगर इंटरप्रेटर होते हैं या ट्रांसलेटर्स होते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपके पास कोई लैंग्वेज एबिलिटी है, मेंशन इट इन द स्किल्स सेक्शन कि भाई ये लैंग्वेज आती है, इसमें लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, ये चीज हो सकती है, ठीक है? अच्छा मिस, यहाँ और पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। जैसे जी जी मिस ने स्किल्स में बताया कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर या जो भी जितनी अच्छी कमांड जिन चीजों पे है, लेकिन फिर अगेन वो कि प्रिसाइज रखना है। ऐसा नहीं है गोल्ड वेब के बाद रीपर, रीपर के बाद उसके एक एक वर्जन मेंशन करना शुरू कर दिए तो इस तरह और लेंथ बढ़ती जाएगी। हाँ, ये चीज अगर आपकी सीवी हो उसमें जरूर मेंशन करें, लेकिन रिज्यूमे में अगर रेलेवेंट सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट के लिए ग्राफिक डिजाइन है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए गोल्ड वेब जरूरी नहीं है। उसके लिए एडोब रीडर या कोई और इन पेज या कोरल ड्रॉ के नाम से, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर मेंशन करें। अगर और कोई सॉफ्टवेयर आते तो लिस्ट या लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिसाइज लिखिए। बिल्कुल
बिल्कुल, अब जैसे अगर आपने लिख दिया कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सूट है वो आपको आता है, ठीक है, तो अब आपको गूगल एप्स का, गूगल का आपको सूट लेने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हो ना, तो आप गूगल डॉक्स के बारे में क्यों बहस करनी है। और जो भी लेटेस्ट आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, जो वर्जन लिख लिया, सही है, अब मुझे 5 भी चलाना आता है और मुझे 4 भी आता है, तो मैं दोनों को क्यों मेंशन करूं। और कोर्सेज में भी यही बात है, अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि एडवांस एक्सेल कोर्स, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बेसिक एक्सेल कोर्स। अरे भाई मुझे एक बात बताओ कि आपने जो है वो एडवांस कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक तो आता ही था ना, तभी तो आपने जो है वो एडवांस पे आपने मूव किया है, तो अब क्या हो गया, वो चीज इररिलेवेंट हो गई। अगर आपने एडवांस एक चीज सीख ली है तो उसके बेसिक या इंट्रोडक्टरी कोर्स के बारे में आपको वहां पर मेंशन करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड कि एक शख्स ने अगर एक चीज एडवांस फॉर्म में सीख ली है तो बेसिक तो उसको आता ही होगा ना, तो फिर आपको वो चीज नहीं मेंशन करनी है। क्योंकि देखिए हमने कहा ना कि सीवी आपकी लेंदी होती है, रेज्यूमे शॉर्ट एंड स्वीट होता है, तो उसको शॉर्ट करने का तरीका ही यही है, ना लिखो पुरानी पुरानी बातें, ठीक है। और जो कोर्स आप अपडेट करते रहते हो और लेटेस्ट करते रहते हो तो आप पुराने वालों को हटाते रहो। और दूसरी चीज ये कि अक्सर बच्चे सिमिलर कोर्सेस सिमिलर जगहों से कर रहे होते हैं, सही है। अब एक कोर्स है मिसाल के तौर पे आपने जो है वो नई सुबह से कर लिया, सेम कोर्स जो है वो आपने नाउ पीडीपी से किया, वही कोर्स आपने दोबारा जाके जो है वो पीडीएफ से कर लिया, ठीक है, या पीएफएफपी से कर लिया, क्या सब लिखने, नहीं सब नहीं लिखने। जो सबसे लेटेस्ट किया है ना, जो सबसे लेटेस्ट है, मैंने 2018 में भी किया था, 16 में भी किया था, और अब जो है वो मैंने 23 में किया है, तो मैं कौन सा वाला मेंशन करूंगी, मैं ऑब्वियसली मेंशन करूंगी 2023 वाला। फिर वो जो मैंने 18 में किया था या 16 में किया था, अब वो ऑब्सलीट हो गया, उसको मेंशन ना करें। और बहुत पुरानी पुरानी चीजें, 8 8 10 10 साल पुरानी चीजें, उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया क्वालिफिकेशन, आप 3 बैक जाते हो, इसी तरह से आपकी जो सर्टिफिकेशंस है ना और जो कोर्सेज है डिप्लोमास, वो 5 ईयर बैक जाओ। बस 2024 चल रहा है, 2020 तक आप जाओ, सही है। अब आपको 2015 में की हुई चीजें, 16 में की हुई चीजें, 12 में की हुई चीजों को मेंशन करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अब पुरानी हो गई है, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, एक्सेल हम कर चुके हैं, पुरानी पुरानी चीजों के ऊपर जाके वापस वही चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कीप इट लेटेस्ट, कीप इट रेलिवेंट, कीप इट अपडेटेड, ठीक है। और अदर्स के सेक्शन के बारे में जैसे सर ने आपको बताया था कि उसके अंदर आप अपनी अचीवमेंट्स भी डाल सकते हैं, हॉबीज के बारे में भी मैं यही बात करूंगी कि भाई योर एम्प्लॉयर डज नॉट वॉन्ट टू नो कि आपने फ्री टाइम में जो है वो आप यूट्यूब पे सर्फिंग करते हैं, नहीं, वो आपकी काम से रेलिवेंट कोई चीज है आप बेशक वहां पर मेंशन कर दें, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें आपने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। अगर एकेडमिक या स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज आप लिख रहे हो, तो अगर आपने कोई प्रीवियस इस तरह के रिसर्च पेपर्स हैं, कोई आपकी पब्लिकेशंस हैं, कोई बुक्स लोग लिख के सबमिट करवाते हैं, कोई लोग अपने ब्लॉग्स पब्लिश करवा रहे होते हैं, ये सारी चीजें आप इसको बिल्कुल इसमें मेंशन करो। किसी जगह पे आप वॉलंटियर करते हो, किसी जगह के आप मेंबर हो, ठीक है, तो आप उसको वहां पर आप कर सकते हो। जैसे लोगों को जिनको पब्लिक स्पीकिंग का शौक होता है वो रोटरी क्लब के मेंबर्स होते हैं, इस तरह से किसी अच्छी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास मेंबरशिप्स हैं, वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो। रेफरेंसेस का सेक्शन, जैसे शायान सर ने आपको बताया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेफरेंसेज ऐसे ही नहीं लिख दिया कि विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट और आपकी बात खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है, जहन में रखिएगा, किसी ने मांग लिया तो आपको देना भी पड़ेगा। और यहाँ पर रेफरेंसेस के हवाले से और जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से एक बहुत कॉमन गलती जिसके ऊपर मैं इस पॉइंट, इस पूरे सेक्शन को जो है वो कंक्लूड करूंगी, वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने अभी तक कहीं जॉब नहीं की है, रेफरेंस का सेक्शन बना दिया और उसमें आपने मेंशन कर दिया रेफरेंसेस विल बी अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर आपने अभी तक जॉब की ही नहीं है कहीं पर, अभी आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपने रेफरेंस के सेक्शन में किसका नाम लिखोगे आप, अगर किसी ने मांग लिया तो, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रेफरेंसेस का सेक्शन बनाना 100% लाजमी नहीं है, तब बनाएं जब रेफरेंसेस हो आपके पास, कोई आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया हो, तब बनाया जाता है। आप लोगों को पता है सीवी भी कब बनाई जाती है, जो डिटेल वाली होती है, जब आपके पास मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया होता है ना, तब आप जाके सीवी बनाने के काबिल होते हैं, उससे पहले सब लोग रेज्यूमे से ही काम चला रहे होते हैं, ठीक है। अब जाकर इस साल 2024 में मेरे पास टोटल 6 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, अब जाके मैं सीवी बना सकती हूँ। पता है आप लोगों को, मैं अभी तक सिर्फ रेज्यूमे से काम चला रही थी, क्योंकि 3 से 5 साल के अंदर आपके पास इतना एक्सपीरियंस आता है कि आप ये चीजें बना सको। नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस, फ्रेश ग्रेजुएट हो, रेफरेंस का सेक्शन नहीं ऐड करना है आपको। और अक्सर बच्चे ये भी कहते हैं कि मिस हम तो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, क्या लिखें वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर, हमने तो कोई जॉब ही नहीं की आज तक, तो क्या कर सकते हैं।
आप लोग ये कर सकते हो कि अगर आपने अभी तक कोई जॉब नहीं की है, तो आपके यूनिवर्सिटी में जो आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया है ना, उन प्रोजेक्ट्स को आप वहां पर मेंशन करोगे। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है, आप उसके बारे में मेंशन करोगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आप खाली नहीं छोड़ोगे इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऐसे ही घूमने फिरने के लिए हम नहीं जा रहे होते। आप जिन प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, जिन सोसाइटीज के मेंबर्स रहे हो, जो भी आपने काम किए हैं, फ्रीलांसिंग कुछ चीजें की हैं, वो सारी आपकी वहां जा रही होंगी। क्योंकि देखो, आप जब तक अपना एक्सपीरियंस नहीं शो करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। और इंटर्नशिप्स ढूंढें, ऑर्गेनाइजेशंस इंटर्नशिप्स देती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको लाइटली ना लें। क्योंकि अगर आपको कोई हायर करना चाहता है जॉब के लिए और वो देखता है कि आपकी सीवी खाली पड़ी हुई है, आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना किसी प्रोजेक्ट का, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप की है, ना कहीं एमटीओ की पोजिशन को आपने एक्सप्लोर किया है, ना आपने किसी जगह कोलेबोरेट किया है, वो क्यों रखेगा आपको जॉब के ऊपर। तो प्लीज लुक फॉर इंटर्नशिप्स, अपने आप को ट्रेन करें, चीजें सीखें, ताकि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर जो है उस चीज को आप मेंशन कर सको, ताकि आपकी सीवी जो है वो और प्रॉपर हो सके और कंक्रीट हो सके। ठीक है, दूसरी सो आई चीज यहाँ होप पे दिस इज मैं क्लियर। मिस एक चीज ऐड जरूर करना जी चाहूंगा जी कि हम उसको ना लकीर के फकीर ना बनिएगा, ठीक है। भेड़ चाल मत चलिएगा कि अगर उसने अपने रिज्यूमे में ये लिखा है तो आपने भी उसके देखा था कि एक पॉइंट मेंशन कर दिया, या स्किल्स में, या आपने जो अदर के कैटेगरीज में के जी सेमिनार अटेंड करना, करियर सेमिनार अटेंड करना, इस तरह की चीजें, तो ये देखा दाखी में भी ना करें। जो आपके पास हो वही चीज मेंशन कीजिएगा, सिर्फ आगे कहते हैं लेबलिंग के लिए काम ना कीजिएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा सर शाह, मैं चाहती हूँ कि अब हमारे पास जो है वो 10 to 15 minutes रह गए हैं हमारे सेशन को वाइंड अप करने के लिए। तो जो कुछ हमारे पास की पॉइंट्स हैं, जो कंक्लूडिंग कुछ रिमार्क्स हैं, आप वो मेंशन कर दें। फिर इंशाल्लाह वो जो डिसेबिलिटी वाला हमारा क्वेश्चन था दैट आई रिमेंबर, उसको भी मैं इंशाल्लाह एड्रेस कर रही होंगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स और जो की पॉइंट्स रिमार्क्स हैं वो आप दे दें, फिर हम एंड में एक आध क्वेश्चन लेके फिर हमारे सेशन को जो है वो फिर हम वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। थैंक यू मिस हाजरा। मैं यहाँ पे कंक्लूजन में अपने यही बोलूंगा कि जब आप अपनी सीवी बना लें तो एक दफा खुद भी गो थ्रू करें कि जो जो आपने चीजें मेंशन की हैं आर दे राइट, आर दे करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अक्सर वो कहते हैं ना कि आपने एक फॉर्म देखा होगा या आपने जो आपको सबमिट करने के लिए बोला होगा तो वहां पे टिक मार्क आता है कि जी आप इस चीज को एग्री करते हैं, एक इंश्योरेंस देते हैं, एक एग्रीमेंट देते हैं कि जो भी आपने मालूमात दी है वो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, कि आपकी नॉलेज के मुताबिक वो बेस्ट है, ठीक है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, तो वो चीज जरूर मेक श्योर खुद भी करें, ठीक है। जब आप अपना रेज्यूमे या सीवी पूरा कंप्लीट कर लें, उसको एक दफा गो थ्रू करें, और जहां जहां आपको लूप होल्स नजर आए कि नहीं यार ये चीज तो मैंने की नहीं, मैंने लिख तो दी है, पर को अगर मांग ली गई तो फिर मैं क्या करूंगा, तो उस चीज को वहां से रिमूव कर दें। जो इन्फॉर्मेशन हो बिल्कुल करेक्ट हो और कॉन्फिडेंटली हो, हाँ फर्ज कर लें आपको, आपने सीवी सबमिट करवाई, वो बोले कि जी आपने ये मास्टर्स की डिग्री का बताया कि आपने मास्टर किया हुआ है, आप मास्टर की डिग्री दिखा दें तो आपके पास वो हो। ऐसा नहीं है कि यार मैं इन प्रोग्रेस है, मैं बनवा लूंगा, जब मुझे जॉब मिलेगी तब मैं इनको सबमिट करवा दूंगा, नहीं। कोशिश करें कि आपके पास चीजें अवेलेबल हो तो ही आप वो चीज उसमें मेंशन करें, अदरवाइज आप मास्टर ना मेंशन करें, ग्रेजुएशन भी काफी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन पे कोई जॉब नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन पे भी मिल जाएगी। तो इन चीजों को मेक श्योर करें कि कोई भी एक्स्ट्रा और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूमे में या सीवी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो हमने चीजें मेंशन की इसमें आपकी सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, स्किल्स, सॉरी एजुकेशन स्किल्स, और फिर अदर, और मिस ने जिस तरह बताया रेफरेंस, रेफरेंस कोई बात आ गई कि विल बी फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट, लिखने से काम नहीं चल जाता, आपके पास वो चीज होनी भी चाहिए। और जहां जरूरत नहीं है, मिस ने जैसे बताया कि बिल्कुल आप फ्रेश हैं तो क्या कहते हैं रेफरेंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज इन चीजों को मद्देनजर रखिएगा। होप्स हो कि आपको ओवरऑल जो हमारी आज की वर्कशॉप थी वो आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी, और आप इस पे अमल भी जरूर करेंगे, ठीक है जी। तो एंड फ्रॉम माय साइड मिस हाजरा, आपका जो डिसेबिलिटी वाला सवाल था जरूर इसको कैटेक्ट बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल, अच्छा मजे की बात, अब तक मेरे माइंड में भी यही था कि भाई करना है कि नहीं करना ये चीज, और अगर करनी है तो कहाँ मेंशन करनी है। तो ओवर टू यू बिल्कुल, मिस, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर शायन। वही चीजें हैं,
अपनी सीवी के अंदर लेंदी पैराग्राफ्स को मत मेंशन कीजिएगा, ठीक है? बुलेट पॉइंट्स में आपने बातें करनी है, शॉर्ट स्वीट प्रिसाइज रखना है। कहानियां उसके अंदर मत मेंशन कीजिएगा। अक्सर लोग उसके अंदर चीजों के हवाले से रीजंस भी डाल रहे होते हैं कि जी मैं जो है वो 2 साल का ब्रेक इसलिए आ गया क्योंकि मेरी अम्मी की जो तबीयत जो है वो सही नहीं थी, और दादी का इंतकाल हो गया, और फलां चीज की सर्जरी थी, और हम रिलोकेट कर रहे थे, और ये हो गया वो हो गया। नहीं, सीवी के अंदर कहानियां नहीं लिखनी है, चीजें जो आगे पीछे हुई हैं उसके रीजंस नहीं लिखने, ये सब इंटरव्यू के लिए छोड़ दें। इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा, तब हर चीज की एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दीजिएगा। सीवी में प्लीज ये कहानियां रीजंस नहीं मेंशन कीजिएगा, सही है? जैसा शायान ने कहा, यू नीड टू बी ट्रूथफुल, जो किया है अच्छा, वो एक चीज और लिखो। मिस यहाँ पे जी हो सर, सकती है कि फर्स्ट कर लें, जैसे अभी आप बोल रही हैं कि आपने डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं, रीजंस मेंशन कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि एम्प्लॉयर ये देखे कि यार ये तो अभी से इतना रोना धोना डाल रहा है कि जी मेरा ये बिल्कुल हिस्सा हो गया था वो इसको ना हिस्सा था, बुलाएं। तो वो हो सकता है कि सीवी से ही आपको रिजेक्ट करें, तो जरूरत ही नहीं है इतने रोने धोने डालने की। माइट बिल्कुल देखे, जब आपको पूछा जाए तो बता दें, ना पूछा जाए तो भी खामोश हो जाए। इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए कि भाई क्यों ब्रेक लिया तो बताने की जरूरत है, अदरवाइज वो भी नहीं बताना कि भाई बाजू का होता है कि भाई मैंने रेस्ट लिया है, मैं कंफर्टेबल नहीं था, मेंटली तौर पे इतना स्टेबल नहीं था, मैंने इसलिए रेस्ट लिया। तो अगर पूछा जाए तो जवाब दे दें, अदरवाइज उसको भी स्किप कर दें। बिल्कुल एब्सोल्युटली, एंड यू नीड टू बी ट्रूथफुल। जैसे सर शायान ने कहा, भाई जो किया है वो लिख दो, जो नहीं किया है उसमें अंदर डालकर कोई आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, सही है, मैं मेंशन कर दूं। लोग अक्सर अपनी हॉबीज के अंदर भी लिख देते हैं कि जी आई एम वेरी गुड एट प्लेइंग गिटार, पता चला गिटार की स्पेलिंग भी नहीं आती है। नहीं करना ऐसी कोई भी चीज, नहीं आती है जो चीज उसको उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सही है? यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है? और इसके अलावा जो है वही बात है कि टेलर करना है आपने अपनी सीवी को, ऐसे उठा के जो मांग रहा है उसको आपने भेज दी कि हाँ भाई ये लो मेरी सीवी। नहीं, भेजने से पहले उसको आप देख लो, जो चीजें उस जॉब के हवाले से अगर रेलिवेंट नहीं है उसको प्लस माइनस कर लो। इसीलिए कहा है कि भेजना पीडीएफ है लेकिन अपने पास वर्ड फाइल रखनी है, उसको आप देख लो, उसके अंदर चेंजेस कर लो जब भी नीड हो, और फिर जो है उसको आप फिर भेजोगे। और कोई भी आउटडेटेड चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया पुरानी चीजें नहीं है उन सबको माइनस कर दीजिए, चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है उनको हटा दीजिए, सही है? स्ट्रॉन्ग अपनी एक प्रोफाइल जो है वो आपको बनानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 अपनी सीवी को 1000 दफा प्रूफ रीड कर दीजिए, उसके अंदर फॉर्मेटिंग के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, और खास तौर पे स्पेलिंग और ग्रामर के हवाले से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ अपनी, ठीक है, हमारे पास जो इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं और सीवीज मेरे पास आती हैं, आप यकीन करो हमारे जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं अगर उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक देख लेते हैं वो बच्चे को वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं। और अब तो कोई ऐसा एक्सक्यूज भी नहीं है कि भाई मुझे पता नहीं चला कि मेरी स्पेलिंग या ग्रामर एरर था, ठीक है? और इसमें विजुअली चैलेंज होने का एक्सक्यूज भी ना बहुत पुराना हो गया, दिस डज नॉट वर्क। हम हर चीज जब कर सकते हैं तो अपनी सीवी को प्रूफ रीड क्यों नहीं कर सकते? आपके पास ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद आपको स्पेलिंग और ग्रामर का चेक कर देता है, एआई का आप जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, एआई से मदद ले सकते हो, उसको प्लीज प्रूफ रीड कर लें। आपकी पूरी सीवी में एक नुक्ता, एक डॉट, एक कॉमा, एक सिंगल स्पेलिंग की भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप यकीन करो ये इतना खराब इंप्रेशन क्रिएट करती है, उसी वक्त आप रिजेक्ट हो जाते हो। नहीं करना, प्लीज नहीं करना, उसको खुद से 10 दफा प्रूफ रीड करना है। आप एआई के थ्रू भी उसको आप रीड करवा सकते हो, ठीक है? और किसी साइटेड पर्सन से हेल्प ले लो कि भाई मुझे प्लीज देख के बता दो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, शक्ल सूरत इसकी ठीक है। जब तैयार होते हैं हम और घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो किसी को अगर आप विजुअली चैलेंज हो तो किसी से पूछ लेते हो ना, अम्मी से, किसी से भी, कि भाई देख लें सही लग रहा हूँ, सही है? हम लड़कियां जो हैं वो मेकअप करके शो कर देती हैं कि देख लो भाई आईलाइनर तो मेरा ठीक लग रहा है ना, लिपस्टिक तो डार्क नहीं हो गई है ना, ठीक है, शूज तो सही है, दुपट्टा तो जो है वो टेढ़ा नहीं हो गया है, ठीक है, सॉक्स जो है वो दोनों सेम कलर के पहने हैं या नहीं पहने, ठीक है ना चीजें? जब हम अपनी अपेयरेंस को लेके इतना कॉन्शियस होते हैं, किसी साइटेड पर्सन को दिखा देते हैं कि भाई जरा गाइड कर दो, तो सीवी क्यों नहीं? जब आपकी पर्सनल अपेयरेंस इतनी इंपॉर्टेंस रखती है तो आपकी प्रोफेशनल अपेयरेंस तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। प्लीज किसी साइटेड पर्सन को फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग, हर चीज दिखा दो, अपनी तरफ से एज्यूम करके ना चला देना कि भाई ये बिल्कुल सही लग रही है, मुझे तो सही लग रही है, जॉज ने सही पढ़ के सुना दी थी। जॉज हर चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता, फॉर्मेटिंग की गलतियां नहीं बताएगा आपको, स्पेस ज्यादा छूट गई है, इंडेंटिंग ज्यादा हो गई है, आगे पीछे हो गया है, फॉन्ट का साइज कुछ आगे पीछे है, कलर ठीक नहीं लग रहा, ये जॉज नहीं बताएगा, एनवीडीए नहीं बताएगा, ठीक है? तो प्लीज किसी से जो है वो आप गो थ्रू करवा देना, 10 दफा रीचेक कर लो, उसके बाद करवा लो, फीडबैक ले लो किसी से, आपका ही फायदा हो जाएगा, ठीक है?
अब हमारी जो बात थी डिसेबिलिटी के हवाले से, इंटरनेशनली स्पीकिंग आप अपनी सीवी के अंदर कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं करते हो जो कोई भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकती है, एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स योर डिसेबिलिटी. कहा जाता है कि आपने नहीं मेंशन करना. हम क्यों कहते हैं कि आपको जो है वो उसमें अपना रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कोई भी चीज जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस कैन क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन. आपकी जॉब है, आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी सिर्फ स्किल के बेसिस के ऊपर जो है वो आपको जॉब दी जाएगी. अगर आप स्किलफुल हो तो आपका रिक्रूटर जो है वो आपको हायर कर लेगा, उसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना है. तो डिसेबिलिटी ऐड करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो या ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल सीट्स आ रही होती हैं, स्पेशल कोटा पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो PWDs को जॉब ऑफर कर रहे होते हैं, अगर आपको उसके लिए स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन करना है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो. लेकिन अब आप इसको कहाँ मेंशन करोगे, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो अपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर. पर्सनल स्टेटमेंट एक इज वेरी गुड प्लेस जहां पर ये चीज मेंशन हो सकती है. आप अपने कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो, या फिर जहां पर आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना, वहां पर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो कि जहां पे आपने अपनी पर्सनल चीजें लिखी है, जहां पे आपका नाम मेंशन है, जहां पे आपका फोन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहां पर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो कि मेरे साथ ये चैलेंजेस हैं, इस तरह ठीक है. भी कर सकते हैं कि जैसे फर्ज करें शेख शायन रजा आ बिजली चैलेंज गाय, इस तरह भी मेंशन बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई नाम के साथ आपने मेंशन कर दिया, या बिल्कुल फिजिकल हैंडीकैप इस तरह। बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो. अक्सर लोग ये भी कर रहे होते हैं कि PWDs की रिकॉग्निशन के लिए जो स्टैंडर्ड सिंबल होता है ना व्हील चेयर का, जो हमारी शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी जो है वो मेंशन होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी नाम के साइड पर वो लोगो भी जो है वो ऐड कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. अगर आप चाहते हो तो आप वहां पर उस साइन को या उस सिंबल को भी ऐड कर सकते हो, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि ठीक है, दिस इज अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी. और एक और चीज जो है वो आप ये भी कर सकते हो कि जहां पर एंड में ना आपकी रेफरेंसेस से पहले आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हो अपनी सीवी के अंदर, दैट इज स्पेशल नीड्स, स्पेशल अकोमोडेशंस या स्पेशल अरेंजमेंट्स. ये आप मेंशन कर दो और उसके नीचे फिर बुलेट पॉइंट्स में लिख दो कि भाई देखो, अगर मुझे हायर कर रहे हो ना तो इन इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंक्लूसिव सेटअप में जॉब करते हो जहां पर बाकी सब साइटेड हैं, आप विजुअली चैलेंज्ड हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको कोई गाइडेड, आपको कोई साइटेड असिस्टेंट चाहिए होगा, ठीक है, आपको लैपटॉप के अंदर जॉज और एनवीडीए की जरूरत होगी, ठीक है, या कोई पर्सन है जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड है, उसे एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, ठीक है, या कोई बंदा है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको रैम्प्स या व्हील चेयर का एक्सेस चाहिए होगा, पार्किंग तक अलाउ कर दें उसे आने के लिए ताकि वो इजिली लिफ्ट से जो है वो ऊपर आ जाए. इस तरह की अगर कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, या अगर आप पार्शली साइटेड हो, ठीक है, और आपको लार्ज प्रिंट में कोई चीजें चाहिए, ठीक है, या आपको सॉफ्ट कॉपीज चाहिए किसी भी काम के हवाले से, जो काम आप जैसे करते हो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हो कि भाई देखो, मेरे साथ ये चैलेंजेस हैं और मेरे लिए ये स्पेशल अकोमोडेशन चाहिए. यू कैन पुट अ सेक्शन इन योर सीवी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो आपके रिक्रूटर को आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, आप आ रहे हो तो हमें सेंसिटाइजेशन के लिए या आपके वेलकम के लिए या आपके लिए एक इंक्लूसिव माहौल बनाने के लिए किन चीजों को ऐड करना है. यहाँ पर एक और चीज जो हमसे पूछी गई थी कि आप लोग जब गए थे तो आपसे कहा गया था कि आपका CNIC नंबर मेंशन है या नहीं है, या आपने अपनी डिसेबिलिटी के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है. बाय रूल नहीं मेंशन करते हैं हम. आपका CNIC नादरा का ऑफिस नहीं है ये, ठीक है, आपको अपना NIC मेंशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप किसी जगह पे कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, या किसी जगह पे स्पेशल सीट्स इन्होंने ओपन करी हैं PWDs के लिए, और उनके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें CNIC नंबर चाहिए क्योंकि हमें क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्पेशल CNICs होते हैं, या आप अपनी सर्टिफिकेट को जो है उसको अटैच कर दें, या उसका QR कोड नंबर हमारे पास होना चाहिए वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, तो आप बेशक डाल दो. लेकिन बाय रूल ऑफ थंब जनरली ये चीजें नहीं ऐड की जाती हैं. कहीं पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्पेशल उसकी रिक्वेस्ट आई भी कि जी आपने डालना है, तो आप बेशक डाल दीजिए, वरना ये सारी चीजें सिर्फ क्लटर क्रिएट करती हैं, इनकी सीवी में आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है. हमारी तरफ से जितनी चीजें हम कोशिश कर सकते थे कि इन 2 आवर्स में आपको कम्युनिकेट कर सके, गाइड कर सके, हम लोगों ने की हैं. वी रियली होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, और आप लोग जरूर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए CVs को अपनी अपडेट भी कर लेंगे, चेंजेस भी कर लेंगे. किसी को कोई हेल्प या गाइडलाइन चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हैं, आप पूछ सकते हैं. ये सेशन इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके हम अपने चैनल पे डाल देंगे, आप लोग इसको फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर किसी को कोई चीज ऐड करनी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं.
एक्सक्यूज मी मैम जी, मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सीवी के ऊपर हम अपनी पिक्चर, जो जाती पिक्चर ओ है, वो हाँ, मेंशन कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नहीं, सीवी के अंदर आपको अपनी पिक्चर ऐड नहीं करनी होती है. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, आप ऐड करते हो की हुई है तो नो प्रॉब्लम, ना हटाइए उससे. लेकिन अगर आप फ्रेश सीवी बना रहे हैं और पिक्चर को अगर आपको आपने नहीं ऐड की है, तो बाय स्टैंडर्ड सीवी के अंदर पिक्चर नहीं ऐड की जाती है. ठीक है, आपको नहीं ऐड करने की जरूरत है. जी मैम, मैंने मैम, अपनी मेरी आवाज सीवी में आ रही वैसे है? तो ऐड नहीं की हुई, जी और जी उसकी वजह ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये बंदा कैसा है? क्योंकि अमूमन हम जब डॉक्यूमेंट्स देते होते हैं, मतलब मैट्रिक लेवल पे या इंटरमीडिएट का दाखिला भेजते हैं, कुछ भी होता है, तो ज़ाहिर हमारे पहले डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। सीवी तो फिर जब आगे का लेवल आता है, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तब हमें सीवी देनी पड़ती है। बिल्कुल. तो तब हम ज़ाहिर अपनी दो पिक्चर्स पासपोर्ट साइज साथ लगाते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये बंदा है, इसकी ये शक्ल दिखता सूरत है। कैसा है? ठीक है, अच्छा तो देखो, सीवी जब हम भेजते हैं ना, तो उस वक्त वो हमें अपॉइंट नहीं कर रहे होते. ठीक है ना, उस वक्त वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि इस बंदे के पास वो एक्सपीरियंस, वो क्वालिफिकेशन और वो स्किल्स हैं जो हमें चाहिए, यस और नो. बस अगर यस, तो वो आपको शॉर्ट टेस्ट करके आपको बुला लेंगे. जब आप जाओगे तो इंटरव्यू में, वो आपको देख लेंगे कि हाँ भाई ये है. आपकी शक्ल सूरत से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो स्किल से अपना काम करवाना है ना. और जब आप बिल्कुल रिक्रूट हो जाते हो, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो आपसे सब मांगेंगे. फिर आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी जाएंगी, आपकी डिग्रीज की फोटोकॉपीज भी जाएंगी, आपके एनआईसी भी जाएगा, बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका पोस्टल एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस मांगेगा. कब मांगेगा? जब आपको रिक्रूट कर रहे होंगे. ठीक है, अब जैसे नई सुबह में मेरी जॉब हुई थी, तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या भेजा था? सीवी भेजी थी, मेरी कोई शक्ल सूरत, कोई और डिटेल्स नहीं गई. लेकिन जब मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, तो मुझे मैनेजमेंट ने, एचआर ने कहा कि ठीक है हाजरा, अब जो है वो आप अपने सारी डिग्रीज, आपके रेफरेंस लेटर्स, आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पोस्टल एड्रेस, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें, आपकी पे स्लिप्स, आपकी पिक्चर्स, ये सब दो. पिक्चर्स क्यों चाहिए? मेरा आईडी कार्ड बना. ठीक है, तो अब जाके मैंने सब चीजें दी हैं. पहले से सीवी में डाल के भेजने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब बात की बात है. जी जकिया, आप कुछ पूछ रही थी? मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या कोई भी डिग्री हासिल की होती है, जी तो जी मैम क्या इसकी जस्ट एब्रीवेशन लिखी जाए या प्रॉपर जो इसका नेम होता है वो लिखा जाए? नहीं, एब्रीविएशंस नहीं होती हैं. पूरा नाम जो है ना, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, पूरा लिखा जाएगा. पूरा लिखने के बाद बेशक ब्रैकेट में जो है वो आप ए आई ओ यू लिख दो. ठीक है, क्योंकि ये हमने वहां से पढ़ा है भाई, हमें पता है कि ये अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है. हो सकता है किसी कोई शख्स आपको मिल जाए जिसको ना पता, वो कहेगा भाई ये कौन है. ठीक है, नहीं पता, सही है. तो आप कभी भी एब्रीविएशन से सिर्फ काम नहीं चलाते हो. आप ब्रैकेट में बेशक एब्रीविएशन लिख दो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हर चीज का जो कंप्लीट नाम है ना, वो आप पूरा पूरा लिख रहे होगे. ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है. और मैम, जो मतलब स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप्स वगैरह गेन किए होते हैं स्टूडेंट्स ने, जी क्या वो भी सीवी में मेंशन करना होते हैं या नहीं? देखो, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, कोई आपके अवार्ड्स हैं, कोई मेरिट्स आपको मिले हैं, तो वो आप बेशक अपने अचीवमेंट्स के सेक्शन में लिख सकते हो. ये आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बनाता है. ठीक है, कि मैंने ये चीज हासिल की थी, मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, ये स्कॉलरशिप जो है वो मैंने हासिल की थी, वो आप वहां पर लिख दो. कोई भी नेशनल लेवल पे आपने कोई कॉम्पिटिशन में आपने पार्ट लिया था, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, आप डाल सकते हो. लेकिन ओनली इफ इट इज रेलिवेंट. ठीक है, अब मैंने नेशनल लेवल पे कोई कुकिंग कंपटीशन जो है वो मैंने विन किया है. ठीक है, और मैं सीएसआर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, क्या वो उसकी कोई तुक बनती है उसमें ऐड करने की? नहीं, वो उससे रेलिवेंट नहीं है, तो आपको वहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर मैं कोई कुकिंग की टीचिंग की पोजिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जैसे हमारा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम है, सही है, तो उसमें ये चीज बिल्कुल आती है कि हाँ भाई ठीक है, मैं शेफ की पोजिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मैंने नेशनल लेवल पे जो एक कुकिंग कॉम्पिटिशन मैंने विन किया था, या टीवी पे कोई हमारा आया था. अब जैसे सर शायान है, माशाल्लाह, पिछले दिनों हमारी आईएलपी के जो दो इंस्ट्रक्टर्स हैं, सर शायान और मिस आयशा, ये लोग गए थे पीटीवी पे, कुकिंग कंपटीशन था. माशाल्लाह, मिस आयशा ने हमारी थर्ड पोजीशन विन की है और वो हमारी आईएलपी की टीचर हैं. तो वो अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं कहीं और, तो वो इस चीज को, इससे रेलिवेंट है ना कि भाई मैं
टीच करती हूँ, मैं कुकिंग सिखाती हूँ, और देखिए मैंने ये कुकिंग कंपटीशन विन किया था। बेशक आप उसमें डालें बड़ा बड़ा करके, हाईलाइट करके आप उसको डालें बोल्ड इटैलिक करके, लेकिन अगर आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या मार्केटिंग के लिए कर रहे हो और आप कहते हो जी मैंने कुकिंग कॉम्पिटिशन जीता था, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको फिर ऐड ना करें। जो रेलिवेंट है वो ऐड करें, जो नहीं है उसको छोड़ दें। जी। अच्छा मैम, अब सीवी बनाने का जो मेथड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्या हमें यूट्यूब पे इसका ट्यूटोरियल मिल सकेगा आपके चैनल से? हमारे चैनल के ऊपर ये आपको सर शायान बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी, अगर आपको वहां पे कोई ऐसी रेलिवेंट किस वीडियो चीज का मिलती, ट्यूटोरियल, मुझे माजर के साथ कौन सा ट्यूटोरियल वगैरह? सीवी क्रिएट करने के लिए कोई ट्यूटोरियल हमारे पास बना हुआ है, हमारे पास हमारी अपनी नहीं, ऑडियो हमारी जो लाइब्रेरीज है, लास्ट वर्कशॉप हुई थी वो अपलोडेड है, वैसे बिल्कुल ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है। एज अ ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं। आप वैसे भी नेट पे सर्च कर सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करते हो ना, तो उसमें न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ साथ टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन होता है। वहां पर भी रेज्यूमे इसके 3-4 स्टैंडर्ड फ्री सैंपल्स रखे हुए हैं, आप वो पिकअप कर लो, उसमें से किसी के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक आखिरी क्वेश्चन था मेरा। आपने जी। जो हमारी खास तौर पे डिप्लोमाज होते हैं या फिर मतलब फर्ज करें हमने कोर्सेज किए हुए हैं नई सुबह से, जी और उसके सर्टिफिकेट्स हैं हमारे जी पास, और इसके अलावा हमारी डिग्रीज हैं एजुकेशनल डिग्रीज, तो उसको मतलब अपने ब्रैकेट्स में मेंशन करना आपने बताया है। जी तो वैसे मैं एक आइडिया देना चाहूँगा कि क्या ये बेहतर नहीं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मौजूद है, उस टेबल को इंसर्ट करके उसको कॉलम्स एंड रोज में लिखे, ताकि जो फर्ज करें या किसी ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक किया हुआ है, तो मैट्रिक के सामने इंटरमीडिएट और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट के सामने इंस्टीट्यूट आ जाएगा, और जो जिस साल में उसने एजुकेशन ली है उस साल के सामने दूसरी एजुकेशन का साल आ जाएगा। वो एक सूटेबल भी लगता है और खूबसूरत सा बिल्कुल, भी लगता बहुत है। नीट भी लगता है, बहुत नीट भी लगता है, और ये बिल्कुल किया जा सकता है। स्टैंडर्ड इसी तरह से जो है वो लोग करते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि टेबल्स के अंदर नेविगेट करने में, क्रिएट करते वक्त जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी है और आपको लगता है, ये देखिए बुलेट पॉइंट्स बनाना ज्यादा आसान रहता है कुछ लोगों के पास, इतनी मैं वीआई के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इतनी प्रोफिशिएंसी है और आप आराम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो यस वेरी गुड आइडिया, आप उसको टैबुलर फॉर्मेट में ले आए, ठीक है। पहला जो कॉलम है उसमें आप अपनी सारी डिग्रीज लिख दें, और हर डिग्री के सामने वाले जो कॉलम आता है, सही है, राइट हैंड पे जो आपको कॉलम आएगा उसके अंदर जो है वो आप इंस्टीट्यूशंस के नाम लिख दें अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के, बराबर में जो है वो आप ईयर मेंशन कर दें, तो नीट लुक आ जाएगा। लेकिन फिर फॉर्मेटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा कि वो टेबल अलाइनमेंट से कहीं आउट ना हो जाए और लुक जो है वो उसका ठीक रहे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को कंसाइज प्रिसाइज करके उसकी एक समरी का टेबल आप वहां डाल दें। जी मैम, अच्छा सॉरी इसमें ना प्रियंका, जो हमारा जो जॉब है ना वो फुली एक्सेसिबल है टेबल के साथ, और उसको बताता भी होता है बिल्कुल मतलब बताता है, कि लेकिन आपने। क्रिएट करने में अक्सर जो है वो बच्चे गलती करते हैं, ये चीज हमने देखी है, वो ये कर देते हैं कि गलत उस, क्योंकि देखिए कॉलम और रोज के बीच में जज करने में भी होता है ना, पहला कॉलम जो है वो उसके सामने वाले कॉलम में कहीं गलत ना लिख दें, ठीक है, तो बस अगर आप कॉलम टू कॉलम इजीली क्रिएट करते वक्त, मुझे पता है पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्रिएट करते वक्त अगर आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो तो आप बिल्कुल कर लो, अच्छा लगता है, इट लुक्स वेरी गुड, जी मैम, उसमें ऑप्शन मौजूद होता है कि आप बिल्कुल कितने कॉलम्स लेना चाहते हैं, कितनी रोज लेना चाहते हैं। जी फिर उसके बाद इसमें अब ये भी ऑप्शन मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपने दो कॉलम्स और दो रोज लिए हैं फर्ज करें, तो आप चाहते हैं कि जब आप इसमें डिग्रीज वगैरह मेंशन कर दें तो आपको याद आ गया कोई एक्स्ट्रा कॉलम भी क्रिएट करके हमने तीसरी डिग्री भी मेंशन करनी है, तो वो टैब प्रेस करेंगे या मतलब उसके जो भी है आगे उसको आप रोज और यूज कॉलम्स करेंगे मजीद तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर आपने दो कॉलम्स और चार रोज ऐड कर दिए फर्ज करें, तो एक चेक बॉक्स चेक और नॉट चेक का ऑप्शन होता है कि उसके बाद मजीद कॉलम्स और रोज क्रिएट नहीं हो सकेंगी। उससे ये होता है कि जितने कॉलम्स और रोज आपने ली होती हैं उसके अंदर ही सारा कुछ जो है वो रहता है, और वो इजीली फिर हम जो है वो उसको कर सकते हैं मैनेज। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है, ब्लाइंड पर्सन के लिए फुली एक्सेसिबल है, इसमें इतनी कोई चीज मतलब मुश्किल नहीं है अगर सब सीख जाए।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सही शायान बात है और जी हांसा, मैम, इसमें हाँ अलाइनमेंट का भी कोई इशू नहीं होता टेबल एंड कॉलम्स में ना। राइट बिल्कुल सही बात है। अच्छा मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो मैं जी जी ये सलीम सर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी मीटिंग का जो टाइम था वो बिल्कुल कंप्लीट हम हो इसे चुका है। वाइंड अप अगर कर रहे आपने हैं। कोई लास्ट कोई एक क्वेश्चन लेना है तो ले लीजिए, या इसको फिर श्योर इसको मैम, प्लीज कंक्लूड कर अलाउ मी लीजिए। टू थैंक यू आस्क सम क्वेश्चन। यस प्लीज गो अहेड। जी सिकंदर बोलिएगा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ सिनेरियो। आपने कहा कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और अगर आप यूनिवर्सिटी में गए हैं तो वहां पे जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आप उसमें डाल दें, लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में नहीं गया और कोई इंटरव्यू बेस्ड जॉब है और उसमें कोई उन्होंने स्पेसिफिक स्किल्स नहीं मांगी, ऑल्दो वी हैव डन आर डिप्लोमा फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उस सूरत में चूंकि हमारा वी डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सो उस सूरत में हम वर्क एक्सपीरियंस में और अपना जो पर्सनल है यानी कि पर्सनल स्टेटमेंट पीएस वो कैसे मेंटेन करेंगे? अगर आपके पास फिलहाल बिल्कुल आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देर इज नथिंग एट ऑल, तो आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको फिर आप फ्यूचर टेंस में या एस्पायरिंग सेंस में लिखते हो कि व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है, कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो और क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हो, वो फिर आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखोगे अलॉन्ग विथ कि उनको अचीव करने के लिए आप फिलहाल क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है इवेंचुअली, तो उसके लिए क्या प्लान है आपका, फिर वो आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करते हो कि आई वांट टू बिकम अ टीचर और मैं इसके लिए ये चीजें कर रहा हूँ, ये चीज जो है वो आप अपने एंड वट वी आर गोइंग पर्सनल ऑन स्टेटमेंट में। लाइक हम वर्क एक्सपीरियंस में फिर क्या मेंशन करेंगे? वर्क उसमें भी यही एक्सपीरियंस में आप देखो, अब वर्क एक्सपीरियंस में आप ये मेंशन करोगे कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरीके से तो उस चीज का एक्सपीरियंस जरूर लिया होगा। बेशक अगर आपके पास कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है या अगर आप कहीं पर भी नहीं गए हो, तो फिर आप वहां पर अपनी स्किल बेस्ड जो चीजें हैं ना, आप उसके अंदर वो चीज मेंशन करोगे। उसको आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यू नीड टू गिव योर एम्प्लॉयर अ लुक कि वो चीज आपके पास कहाँ से आई मीन्स है। बहुत सारी जगहों पे हम लोग वॉलेंटियर काम भी कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं बिल्कुल कि हमने पेड बिल्कुल काम किया हो, वॉलेंटियर भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हो सकता है आप घर पर जो है वो होम ट्यूशंस देते हो, या अपने क्लास फेलोज के साथ जो आप ग्रुप स्टडीज किया करते थे, या जिस तरह से आपने चीजों को प्रिपेयर किया था वो आपके पास चीज हो, आप उसको वहां पर मेंशन करो। देखो बिल्कुल ब्लैंक तो कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ आपने उससे रेलेवेंट तो जरूर किया होता है, ठीक है। हम उस चीज को और जज नहीं कर पा हाँ रहे होते कि हमने ये किया है कि नहीं किया। बाजू का जब हमें कोई अगला गाइड करता है, यार आप देखो आपने ये काम इस तरह तो किया हुआ है, हाँ हमने किया हुआ, तो फिर वो उस चीज में एक्सपीरियंस में काउंट होता है। एंड बिल्कुल। मैम और लास्ट बट नॉट जी द जी लीस्ट, जी हमारे पास यू नो आजकल चूंकि एक बहुत इनोवेटिव दौर है, हमारे पास एआई की सर्विसेज हैं लाइक चैट जीपीटी। इसमें ये होता है कि आप अगर लेट सपोज आपने सीवी क्रिएट करनी है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं पूरी की पूरी, जिस तरह भी आपको बिल्कुल जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसको वो कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ जो है वो हमारी सीवी क्रिएट कर देता है। तो बिल्कुल क्या ये सही रहेगा या हमें खुद ये, ऑल्दो इट्स यू नो वी हैव टू लर्न मैनुअली एज वेल, सो क्या अगर हम चैट जीपीटी को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दें उसे, ये अगर टाइम टेकिंग जो है वो इतना नहीं प्रोसेस ये सारा, तो क्या वो चलेगा या नहीं? मिस, मिस इसका इसका मैं मैं चलेगा थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, चलेगा, बिल्कुल जैसे लेकिन हाँ हाँ खुद पता होना चाहिए कि नकल क्या के लिए है। भी अकल की जरूरत होगी। एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट उसको एग्जैक्टली आप एग्जैक्ट देंगे तो ही वो आपको एग्जैक्ट आपको रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो भी बहुत लेंथी दे सकते हैं। जी जी सर, आई हैव एन आइडिया, सो दैट्स यू नो जस्ट आस्किंग फॉर टू इंफॉर्मेशन कि सेव अगर योर हमें टाइम, ऑफ कोर्स टू सेव योर आइडिया टाइम, है। ऑफ कोर्स यू कैन यूज एन एआई सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज चैट जीपीटी, यू कैन यूज मेटा एआई, यू कैन यूज एनी अदर प्लेटफॉर्म, दैट इज कंप्लीटली एंड टोटली अप टू यू, अगर बट हम किसी आपके और पास सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन चीज होनी चाहिए। करते बिल्कुल करते हैं ना, चेक करते हैं, तो उसमें कोई मसला तो नहीं आएगा ना? कोई मसला ये नहीं तो आएगा, ठीक है, लेकिन एआई वही नकल के लिए अकल की बात है। चैट जीपीटी से कोई भी चीज आप कॉपी करते हो तो यू शुड नो कि वो हेडिंग्स को बोल्ड जो है वो कर देता है, एस्ट्रिक्स लगा के दे देता है, इन्वर्टेड कॉमास भी दे देता इनवर्टेड है कॉमास भी कुछ। दे देता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके जॉस से उन्हें इरेज करना पड़ेगा, वरना साइटेड पर्सन देखते ही फौरन समझ जाएगा कि ये जो है वो आपने कॉपी किया था। इस एग्जैक्टली चीज का मैम, उसके ख्याल लिए जाहिर रखना है है। प्रूफ रीडिंग भी करनी बिल्कुल, पड़ेगी, वो प्रूफ तो फिर रीडिंग इज नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप करें यस बेशक, यूज थैंक यूज इट एज एन असिस्टेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू, पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, और कहीं कमी बेशी रही होगी तो इनशाला अगली आने वाली वर्कशॉप्स में वो जरूर कवर होगी। अपनी तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि जितना बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकें, जरूर की है। तो आप लोग तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मैनेजमेंट का शुक्रिया, और इस वक्त जो होस्टिंग कर रहे हैं सलीम भाई उनका भी बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर आप अगली किसी वर्कशॉप में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट थैंक एवरीवन, यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, थैंक यू।